नमस्कार, सीताराम। सबसे पहले ये आयुर्वेदिक शिविर है, इसमें हम हिंदी बोलूँगा, चलेगा ना हिंदी? हाँ ना, हिंदी समझते हैं आप लोग? समझते हैं। ये 4 दिन हम आयुर्वेदिक शिविर है, आयुर्वेदिक जो हमारी देश की परंपरा है, आप सभी ने आयुर्वेद का नाम सुना होगा। और बहुत बार आयुर्वेद मतलब अपने को लगता है चूर्ण चटनी जड़ी बूटी वो सब दे दिया तो मतलब आयुर्वेद, या बहुत बार अपने को आयुर्वेद का कोई डॉक्टर मिलता है तो अपन पूछते हैं कि घोटन दुखता है, घुटना में दर्द होता है, एसिडिटी होता है, तो उसके लिए दवा बताओ, है ना? तो ये 4 दिन में जब मैंने बापूजी से बात की कि उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे दर्दी हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको तकलीफ है कुछ ना कुछ, किसी को सांधा दुखी है, किसी का बाल झड़ता है, किसी को चश्मा है, किसी को डायबिटीज है, कुछ ना कुछ तकलीफ है। तो हर बीमारी का इलाज बताने से अच्छा है कि सबसे पहले बीमारी क्यों हो रही है उसके कारण को खत्म करें। एक बार बीमारी होने के कारण को अगर हम खत्म कर दे तो इतना सारा जो रोग है वो कंट्रोल कर पाएंगे। तो 4 दिन हम इसी आयुर्वेद के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे फोटो दिख रही होगी, आयुर्वेद की जो देवता है भगवान धन्वंतरी, उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे कहा है कि कोई भी शुभ काम, कोई भी अच्छा काम शुरू करने के लिए सबसे पहले आशीर्वाद लेना चाहिए। तो हम भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद ले लेते हैं। नेक्स्ट। इसके बाद बहुत बहुत आभार जिनके कारण ये शिविर हो पा रहा है। आज से 4 साल पहले भी भरतदास बापू जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब जो भी हमारा शिविर हुआ था बहुत सहयोग किया था। इनकी एक खासियत है कि इनके पास जब भी मिलने आओ तो वो हंसते हुए मिलते हैं। नॉर्मली ऐसे रहता है, मतलब हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई भी संत के पास जाओ या कोई भी गुरु के पास जाओ तो एकदम गंभीर या थोड़ा गुस्से में होगा कि तुम लोग ऐसे वैसे हो, पर इनके पास कभी भी आओ तो वो हमेशा हंसते हुए, हम भी जब आए कि शिविर करना है तो बहुत अच्छे से बोले आपको जब आना है आप आ जाओ और ये जगह पे आप शिविर कर सकते हो। तो उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नेक्स्ट। अब मेरा जो ये 4 दिनों में यहाँ पे काम रहेगा, जो भी मैं व्याख्यान दूंगा उसमें मेरा काम केवल डिलीवरी बॉय का है। आप लोग के घर पे सामान लेके कोई आता होगा, पोस्टमैन आता होगा, या फिर आजकल अमेजोन से आता है, फ्लिपकार्ट से, ऐसे कोई ना कोई सामान लेके आता है और आपका सामान आपको देके चला जाता है। मेरा भी काम केवल उतना ही है। मैं जो भी आपको बताऊंगा इसमें मेरा कुछ भी नया नहीं है, सबका सब आयुर्वेद का है। जो कुछ आयुर्वेद की ग्रंथों में, आयुर्वेद की संहिता में लिखा है, आयुर्वेद के ऋषि लोगों ने इतने हजारों साल तक रिसर्च किया कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जैसे अभी मकर संक्रांति, जनवरी में मकर संक्रांति आएगी तो उस टाइम पे क्या खाते हम लोग? नहीं खाते आप लोग यहाँ पे कुछ? मकर संक्रांति को क्या बोलते आप लोग? संक्रांत, ठीक है। कल मैं बापू को बोलूंगा, आप लोग के यहाँ के लोग बहुत थके हुए। उत्तरायण में क्या खाते हो आप लोग उस टाइम पे? उत्तरायण में तल का लड्डू या तल का चिक्की ये सब खाते है ना, तो वो तल का लड्डू कैसे आ गया अपने परंपरा में? या शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग क्या खाते हैं? दूध पोहा खाते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। तो ऐसी बहुत सारी खान पान की परंपरा है अपने देश में। अभी जैसे ठंडी आएगी तो उस टाइम पे आप लोग उंधियो बोलते हैं आप लोग, है ना, उड़द की चीजें ये सब ज्यादा खाएंगे। तो ऐसी कई सारी परंपरा जो हमारी चीजें हैं उसको जो विकसित किया वो हमारे देश के ऋषि मुनियों ने किया, तो उसका जो शास्त्र लिखा गया आयुर्वेद, उसी को उसमें जो भी है वो सब आपको आसान भाषा में पहुंचाने का मेरा काम है। इसमें मेरा कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट। जैसे कि उन्होंने पहले बताया कि 2015 में 3 दिन का हमारा शिविर हुआ था, उसमें भोजन पानी के नियम राजीव दीक्षित जी, राजीव भाई दीक्षित जो थे उनकी संस्था की तरफ से हम तब आए थे और तब हमने शिविर किया था। नेक्स्ट। अब सबसे मेन सवाल, लेक्चर गुजराती में चाहिए कि हिंदी में चाहिए?
पक्का हिंदी की गुजराती? हिंदी में कुछ नहीं समझेगा तो फिर तो एक ही ऑप्शन है कि मुझे गुजराती सीखनी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट मारी गुजराती गड़बड़ छे। हाँ बहु गड़बड़ छे, और मैं अगर गुजराती बोलूंगा तो आप लोग भाग जाओगे यहां से। मुझे उतनी गुजराती नहीं आती है, मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में कुछ जो हिंदी के नियम है वो गुजराती में थोड़ा बहुत बोल सकूं। आपको अभी ये झेलना पड़ेगा या जो भी बोले, पर मुझे हिंदी ही आती है। हाँ अभी एक महाराज जी बोल रहे थे कि आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, गुजराती सीखना है तो पीछे छे बोल दो, छे हिंदी में कुछ भी बोलो और उसके पीछे छे बोल दो तो आपका काम हो जाएगा। मतलब आपको पानी पीना छे, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, है ना। हम लोग ऐसे बचपन में मस्ती करते थे कि जैसे इंग्लिश सीखना है, कोई बोलता था कि इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, हम लोग बोलते थे इंग बोल दे, इंग पानी पींग, खाना खाइंग, दौड़ने जाइंग, इंग बोल दे तो तेरे को इंग्लिश आ जाएगी। वैसे भोजपुरी यूपी साइड की कुछ भी बोलना है तो तू बा बोल दे, बा, खाना खाबा, पानी पीबा, जाबा आवा। वैसे गुजराती सीखना हो तो हर एक के पीछे छे बोल दो तो काम हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मैं हिंदी में ही बोलूंगा, पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एकदम सिंपल सादी हिंदी में, कोई बहुत बड़ा बड़ा शब्द नहीं, कि आप लोग उसको आसानी से समझ सके। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि अभी टाइम हो रहा है 9:30, आप लोग यहां पे इकट्ठा हुए हो, आप में से मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि एक भी ऐसा घर नहीं है जहां पे कोई ना कोई बीमार ना हो। कोई भी ऐसा घर यहां पे है क्या जहां पे सब लोग स्वस्थ हैं? तो ऐसा एक भी घर नहीं है। हर किसी के घर में कोई ना कोई बीमारी है, वो चाहे एसिडिटी हो, गैस होता हो, अपचन होता हो, घुटने का दर्द होता हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी हो, हर घर में बीमारी है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो आज जो हम इतनी सारी बीमारी देखते हैं, कैंसर, आज से जब 40-50 साल पहले अगर कैंसर नाम सुनो तो ऐसे लगता था कि अरे ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है, किसी किसी को होती होगी। अभी आज आप देखेंगे तो आपके मोहल्ले में ही बहुत सारे आपको कैंसर के पेशेंट सुनाई देंगे। हार्ट अटैक आज से 20-30 साल पहले ऐसे टीवी में दिखाते थे कि जो बहुत अमीर आदमी होता था ना उसको हार्ट अटैक होता था। आज हर एक घर में किसी को या तो ब्लड प्रेशर है, या स्टंट बिठाया है, या हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, घुटने का ऑपरेशन हुआ है, मतलब सब ना सबके सब कोई ना कोई बीमार जरूर है। ऐसा क्यों हुआ? वो होने का कारण है कि हम लोग अपना आहार शास्त्र भूल गए। अपने देश में खाने पीने का कुछ तरीका था, परंपरा था, आजकल हम वो सब छोड़ के अपने दिन का शुरुआत होता है चाय और क्या बोलते हैं, भाखरी, क्या खाते हैं सुबह? चाय और, हाँ चाय भाखरी खाते हैं। इसके बाद सेव ममरा ये ऐसे तो कुछ ना कुछ चलते रहता है, फिर उसमें चिप्स ऐड हो गया, बिस्किट ऐड हो गई, आजकल और थोड़ा एडवांस है तो पिज्जा बर्गर ये सब चलते रहता है, और अपने घर का जो असली खाना था वो खाना गायब हो गया। आजकल के लोग घी नहीं खाते, घी का नाम सुनते उनको लगता है अरे बाप रे कोलेस्ट्रॉल। घी का मतलब एक ही चीज हमारे दिमाग में बैठा है, कोलेस्ट्रॉल। पर बिस्किट जरूर खाते हैं, उसमें कभी नहीं देखते कि कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं। तो हमारा जो खान पान बिगड़ गया, इसलिए इतनी सारी बीमारी हर एक घर में है और इतना सारा पैसा या इतना सारा टाइम हमारा जा रहा है। नेक्स्ट, अपने पास दो ही तरीका है, या तो हम बीमार ना पड़े या बीमार होने के बाद उस बीमारी का इलाज करें। तो उसमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यार आप लोग इतने शांत रहोगे तो मेरे को लग रहा मैं भी सो जाऊं यहां पे। सो नहीं रहे आप लोग पक्का? इतना इतना भी मुझे, मैं कर्नाटक में गया था आज से 1.5 साल पहले लेक्चर देने, तो कर्नाटक में तो वहां की लैंग्वेज कन्नड़ है, वहां के लोग बहुत अच्छे से हिंदी समझ रहे थे। आप लोग तो गुजराती हो, गुजराती हिंदी तो बाजू बाजू में, समझ में नहीं आ रहा?
तो फिर आप लोग कुछ ऐसे हाँ ना ऐसे ऐसे कुछ करेंगे तो समझ में आएगा ना, या फिर बोरिंग हो रहा है चेंज करें कुछ टॉपिक, कुछ तड़कता भड़कता बात करें। बीमारी से निपटने का दो ही तरीका हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि हम बीमार ही ना पड़े, कि भाई कुछ तकलीफ हो रही है वो आने ही ना दे। दूसरा तरीका ये होता है कि बीमार हो गए, बीमार होने के बाद रिपोर्ट कराओ, रिपोर्ट होने के बाद डॉक्टर से दवाई लो और वो दवा लेके जिंदगी भर खाना। तो आप सभी बोलेंगे कि नहीं भाई बीमार नहीं हुआ वो ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये जैसे कि आप में से बहुत से लोग को होगा कि एक बार ब्लड प्रेशर आ गया, डायबिटीज आ गया, तो जिंदगी भर गोली खानी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि कभी जिंदगी में डायबिटीज आए नहीं, ब्लड प्रेशर आए नहीं। तो उसी को कहते हैं प्रिवेंशन, आयुर्वेद में भी कहा गया है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब अगर आप बीमार नहीं हो स्वस्थ हो तो जिंदगी भर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप हमेशा स्वस्थ ही रहो। इसके बाद अगर आप में से कोई बीमार हुआ है तो बीमारी पे को ठीक करने के पीछे पड़ो। हम लोग क्या करते हैं, जब तक ठीक है तब तक चलता है, अरे खाना क्या होता है, ऐसे हमारी मेंटेलिटी होती है कि समझो कोई घर पे आया वो चाय नहीं पी रहा है तो अपन बोलते हैं अरे चाय पीना क्या होता है। फिर एक बार चाय पी पी के जब उसको एसिडिटी हो जाती है तब हम फिर बोलते हैं अब गोली खाते रहे, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम बीमार नहीं पड़े। नेक्स्ट, अभी एक ये इमेज देख रहे होंगे, यहाँ पे दो आदमी है कि एक आदमी है, ये एक ही आदमी है जिसकी दो अलग अलग फोटो है, पहली फोटो आप देख रहे होंगे और दूसरी भी फोटो दिख रहे होंगे। तो इसके लिए अच्छा क्या है कि ये सब कुछ उल्टा पुल्टा जो कुछ है वो सब खा पी के वैसा धूम धड़ाम हो जाए और फिर व्यायाम करके ऐसा रहे, या फिर हमेशा जैसा है वैसा ही मेंटेन रखे। मेंटेन करना अच्छा है कि मोटा हो जाना अच्छा है, ये भी एक डॉक्टर है, असली में उनकी साइज वैसी हो गई थी 3 महीने पहले, फिर उन्होंने खुद एक्सरसाइज कर कर के अपने को कंट्रोल किया। तो आप सभी वही जो आयुर्वेद है हम सभी जानते हैं कि भाई जब तक बीमार नहीं हो तब तक जो स्वस्थ बना है उसको मेंटेन रखो। नेक्स्ट, चलो ये 3 दिनों में हम जो बात करेंगे आयुर्वेद की ही बात करेंगे। जैसे मैंने कहा आयुर्वेद ही क्यों, ये भी सवाल उठ सकता है, आयुर्वेद ही क्यों भाई, और भी तो कुछ चल सकता है पर आयुर्वेद क्यों। दुनिया में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, आप अगर बीमार हो जाओ तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप उसको खा पी के ठीक हो सकते हो। एलोपैथी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, एक्यूप्रेशर है कि आप कुछ पॉइंट पॉइंट दबाओगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा बहुत कुछ है। तो उसमें से हम आयुर्वेद की क्यों पालन करें या आयुर्वेद का ही खान पान क्यों पालन करें। तो अभी व्याख्यान शुरू होने से पहले, लेक्चर शुरू होने से पहले आप लोग एक भजन गा रहे थे, सब लोग भजन गा रहे थे ना ऐसे ताली बजा बजा के, कौन सा भजन गा रहे थे, सीताराम सीताराम राधे श्याम ऐसे करके भजन गा रहे थे। क्यों गा रहे थे भजन, क्यों भाई, कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ कारण तो होगा कि बस ऐसे ही मन में आया और चालू कर दी। क्यों कर रहे थे भजन, मन की शांति के लिए, या फिर अच्छा लगता है हमारी भगवान के ऊपर श्रद्धा है इसलिए। पर इन सबके पीछे जो एक कॉन्सेप्ट है वो है मोक्ष। हम सभी ने बचपन से सुना है कि भाई जीवन में ये जो जन्म मरण का खेल है इससे अगर आपको छुटकारा पाना है, मोक्ष पाना है, तो उसके लिए भगवान की भक्ति पूजा ध्यान आराधना ये सब करना चाहिए। तो आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जो बोलता है कि हमें जो जीवन मिला है, हमें जो लाइफ मिली है, उसके 4 ये कारण है, जो 4 चीजें हमें पूरी करनी चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब ये 4ों चीजें पूरी करने के लिए एक ही चीज है जो हमारी मदद कर सकता है, वो है शरीर। आयुर्वेद में ऐसे लिखा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। अगर आप निरोगी हो, बीमार नहीं हो, स्वस्थ हो, तभी आप धर्म का भी काम कर सकते हो, तभी आप पैसा भी कमा सकते हो, तभी आप अपनी संतान भी आगे कर सकते हो, संसार बना सकते हो, और तभी आप मोक्ष का भी काम कर सकते हो। अब घुटना दर्द हो रहा है जोर जोर से तो क्या भजन होगा क्या, या भजन होगा भी तो ऐसे लगेगा अरे यार ये घुटना क्यों दुख रहा है क्यों दुख रहा है। तो अपने को भगवान का ध्यान भी करना है, भजन भी करना है, तो उसके लिए अपना शरीर अच्छा होना चाहिए,
अपना मन अच्छा होना चाहिए। तो हम जो ये कर रहे थे वो मोक्ष के लिए कर रहे थे, और आयुर्वेद का जो खान पान चिकित्सा पद्धति है वो सब हमें ये चारों चीजें पूरी करने में मदद करता है। नेक्स्ट, ये फोटो कुछ पहचान में आती है, यमराज देव। यमराज को पहचानते हैं हम सभी जानते हैं ना। अब कोई मतलब कुछ हो सकता है, वो भी पूछे मोक्ष क्यों, क्या मतलब है मोक्ष का। तो हम सभी जानते हैं कि भाई इस जन्म में अगर पुण्य किया तो स्वर्ग, और पाप किया तो नरक, और नरक में यमराज जी, और यमराज जी के वो जो सिपाही लोग हैं वो सब डंडा हंटर वंटर क्या क्या लेके, है ना, कि बहुत सारा भजिया खाया था तुम्हारे, इसको डायबिटीज हुआ था, मना किया था मीठा खाने के लिए, पर फिर भी ये जबरदस्ती मीठा खाता था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज हुआ रहता है, शादी में जाते हैं दो दो गोली खा लेते हैं, और उसके बाद फिर लड्डू हलवा मिठाई पूड़ी जो मिला, ठीक। तो भाई ये बार बार जो जीवन मरण है या मरने के बाद हमको नरक ना जाना पड़े, इसलिए आयुर्वेद। नेक्स्ट, चलो आयुर्वेद का आहार शास्त्र क्यों। तो आयुर्वेद इसलिए क्योंकि वो हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे जो भी वैज्ञानिक हुए साइंटिस्ट हुए उन्होंने बनाया है। अभी जैसे आजकल का रिसर्च आता है, आप देखो एक रिसर्च बोलती है कि कॉफी पीना चाहिए, तो आप कॉफी पीने लग जाओ, फिर 10 साल के बाद दूसरी रिसर्च आएगी बोलेगी कॉफी नहीं पीने का। एक रिसर्च बोलती है ज्यादा पानी पियो, तो दूसरी रिसर्च बोलेगी ज्यादा पानी मत पियो। तो वो सब कंफ्यूज रहता है कि हम करें क्या, पर अपने जो शास्त्रों के नियम है या जो अपने आयुर्वेद के नियम है वो फिक्स है, हजारों साल पहले भी वही थे, आज भी वही है और आगे भी वही रहेंगे। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। तो आने वाले 3 दिन हम लोग खा पी के कैसे बीमारी ठीक करना उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट, एक और सवाल, 4 लाख का ऑपरेशन कराना अच्छा है कि 4 लाख रुपए का घी खाना। पक्का घी खाना, पर घी खाने से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक आता है। आप सभी बोलोगे कि यार 4 लाख रुपया उठा के डॉक्टर को देने से अच्छा है कि 4 लाख रुपए का मैं मेरे घर पे खाऊं, और घर पे खाऊंगा अकेला तो नहीं खाओगे आप। समझो आपके घर पे घी आया तो ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले घी खाओगे, आपके मम्मी पापा बच्चे जो कुछ आपके परिवार के लोग हैं वो सब खाएंगे। तो इन 3 दिनों में या इन 4 दिनों में हम ऐसा कुछ सीखेंगे कि खा पी के, या आपका जो पैसा अभी जो गोली पे खर्च हो रहा है, डायबिटीज की गोली, ब्लड प्रेशर की गोली, घुटना दर्द की गोली, उन सब का खर्चा कम करके वो पैसा अगर आप अपने खाने पीने में, अच्छे खाने पीने में लगाए आयुर्वेद के नियम के साथ, तो आप खा पी कर अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, आजकल ऐसा हो गया है बीमारी से डर नहीं गोली से डर लगता है ना। आप में से बहुत से लोग खा रहे होंगे ये डायबिटीज की गोली, उसके साथ ब्लड प्रेशर और एसिडिटी फ्री खाते हैं। ऐसा कोई आदमी है जो एक ही गोली खाता है? ऐसा कोई नहीं होगा। अगर आप थायराइड की गोली खा रहे हैं तो उसके साथ एसिडिटी की भी गोली होगी, हार्ट की गोली खा रहे हो तो उसके साथ किडनी का कोई ना कोई गोली चालू होगा, लीवर का कोई ना कोई गोली चालू होगा। तो जैसे वो दिवाली में ऑफर लगता है ना, एक के ऊपर एक फ्री, वैसे गोली का भी ऐसा है, एक गोली के ऊपर 2 गोली फ्री। आप जाओ डॉक्टर के पास, उसको बोलो मेरे को सिर दर्द होता है, तो वो सिर दर्द की गोली के साथ और 5 गोली लिख देता है, विटामिन बी की गोली, विटामिन डी की गोली, फॉलिक एसिड की गोली, कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली। तो अपन ऐसे वो बंडल पूरा क्या बोलते हैं, सेल लगता है ना, सेल जैसे मॉल में सेल लगता है, वैसे अपन गोली वोली का सेल जैसे लगता है वैसे वो उठा के लाते हैं। नेक्स्ट, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं पिछले 15 मिनट से बोल रहा हूं ये क्या पका रहा है, एक तो हिंदी में बोल रहा है। आप लोग हिंदी मूवी देखते हो, हिंदी पिक्चर देखते हो? नहीं देखते, फिर तो बॉलीवुड डूब जाएगा अगर गुजराती लोग मूवी नहीं देखेंगे। तो देखते हैं ना, हिंदी गाने वाने भी सुनते हैं, ठीक। आप में से बहुत सारे लोग को लग रहा होगा अरे यार सीधा दवा बताओ, दवा ये क्या चालू है, आहार शास्त्र आयुर्वेद मोक्ष शोक्ष, हमको दवा बताओ। मेरे को घुटना दर्द होता है उसका दवा बताओ, या मेरे को एसिडिटी बरतरा होता है, गैस होता है,
पेट साफ नहीं होता, कब्जियत होता है, उसका दवा बताओ। पर अपन दवा से ज्यादा उस बीमारी के कारण को सीख ले तो ज्यादा अच्छा। समझो कि आप में से किसी को एसिडिटी को क्या बोलते हैं गुजराती में? एसिडिटी इंग्लिश वर्ड है, गुजराती में क्या बोलते हैं एसिडिटी को? बढ़तरा। बढ़तरा नहीं, ठीक है चलो वो छोड़ो। कब्जियत को क्या बोलते हैं? कब्जियत। हाँ, कब्जियत को कब्जियत ही बोलते हैं। अब दो तरीका है, जैसे कि पहले बोला, या तो कब्जियत हो जाए और उसकी गोली बताओ, दीवेल का तेल या फिर त्रिफला या फिर ऐसे कुछ ना कुछ, हम लोग फाकी खाते रहते हैं कब्जियत के लिए, तो वो फाकी खाने से अच्छा है कि कब्जियत हुआ क्यों, क्यों भाई आपको रोज कब्जियत हो रहा है, उस कारण को अपन ढूंढ ले और वो कारण बंद कर दो तो अपने आप वो कब्जियत का फांकी या गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जाम्पल, उदाहरण, आप सभी के घर पे नल होगा, नल। समझो कि किसी दिन आप घर पे आए और आपने देखा पूरे घर पे एकदम पानी पानी भरा हुआ है, पूरे घर में पानी, और आपने देखा कि नल खुला हुआ है, तो क्या करोगे? पहले पानी साफ करोगे कि पहले वो जो नल खुला है उसको बंद करोगे? मेरा कान थोड़ा कम सुनाई देता है, नल बंद करेंगे, है ना? क्योंकि जब तक अपन नल नहीं बंद करेंगे कितना भी पानी निकाला कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पानी तो चालू ही है। वैसे ही कोई भी बीमारी, वो चाहे हार्ट का बीमारी हो, सर्दी खांसी जो कुछ भी हो, उसका जब तक कारण बंद नहीं किया तब तक आप कितना भी रिपोर्ट करा लो, ऑपरेशन करा लो, गोली खा लो, उसका कोई मतलब नहीं। इसी को आयुर्वेद में हम कहते हैं निदान परिमार्जन, संस्कृत का शब्द है निदान परिमार्जन। मतलब कोई भी जो बीमारी हो रही है उस बीमारी का पहले कारण बंद करो, एक बार जब उस बीमारी का कारण बंद हो गया तब इलाज करोगे तो वो ज्यादा जल्दी ठीक होगी। नेक्स्ट, तो बीमारी से बचने के लिए क्या करें? एक ही रास्ता है, आयुर्वेद सीखो। आयुर्वेद मतलब ये नहीं कि एसिडिटी हो रही तो अजमा खा लो, कब्जियत हो रही तो त्रिफला खा लो, ये आयुर्वेद नहीं। आयुर्वेद का एक छोटा सा पार्ट है। आयुर्वेद मतलब आप जब सुबह सो के उठते हो, सुबह सो के उठने से लेके रात को सोने तक पूरे दिन भर आप क्या क्या करते हो, क्या क्या खाते हो, अगर उस आदत को आप सुधार लो तो आपके घर की लगभग 60-70% या 80% बीमारियां चली जाएंगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलो सिंपल सी बात, कुछ ज्यादा बातचीत नहीं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। अपना शरीर बना किससे है? अपना शरीर बना हुआ है अपन जो खाते हैं उसी से। सिंपल, जैसे कि आपको अगर देखना हो, आप में से अगर किसी को गुस्सा नहीं आता, गुस्सा, ऐसा कोई है जिसको गुस्सा नहीं आता? कोई नहीं, सबको गुस्सा आता है, सिंपल सी बात है। अगर कोई ऐसा है जिसको गुस्सा बढ़ाना है तो आप थोड़ा सा मिर्ची खाना चालू कर दो, हरा मिर्च, काला मिर्च, लाल मिर्च, तो आप देखोगे कि आपका गुस्सा बहुत बढ़ने लग गया। या फिर अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाना शुरू कर दोगे तो देखोगे आपको आलस्य बहुत आने लग गया। अगर आप कोई मीठी चीज ज्यादा खाओ तो आपको आलस्य ज्यादा आने लग जाएगा। तो ऐसे ही आप जो कुछ खाते हो उससे ही आपका पूरा शरीर बनता है, आपका बीमारी, आपका दिमाग, सब कुछ। मोटिवेशनल, मतलब जो लोग मोटिवेट करते हैं उन लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग जो सोचते हो वो आप बन जाते हो। समझो कि कोई आदमी सोचता है कि वो बहुत कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है, तो वो कमजोर ही बन जाएगा। कोई आदमी सोचता है कि नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, और मेहनत करता है तो स्ट्रांग बन जाएगा, ऐसा मोटिवेशन देने वाले लोग कहते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो वो कौन डिसाइड करता है? आपका अन्न, मतलब आपका जो मन है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे बोलते होंगे कि हमारा मन बहुत विचलित है, हमको बहुत सारा विचार आता है, दिमाग शांत नहीं होता, रात को भी जब बिस्तर पे सोते हैं तो दिमाग में कुछ ना कुछ चालू रहता है, या फिर ऊंघ, जब भी ऊंघ नहीं आती और ऊंघ आती है तो भी दिमाग में कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो ये जो मन इतना चंचल है वो मन बनता है आपके अन्न से। अन्न का मतलब होता है, तैतरीय उपनिषद आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा आया है, आहार मतलब आप जिसको खाते हो और जो आपको खाता है। तैतरीय उपनिषद में क्या बोला उन लोग ने, आप जिसको खाते हो और जो आपको खाता है।
मतलब आप जब वड़ा पाव खा रहे हो तो केवल आप वड़ा पाव को नहीं खा रहे हो, वड़ा पाव आपको भी खा रहा है। जब आप खाखरा खा रहे हो तो खाखरा आप नहीं खा रहे हो, वो खाखरा भी आपको खा रहा है। जब आप रिफाइंड तेल खा रहे हो तो आप केवल रिफाइंड तेल नहीं खा रहे हो, वो रिफाइंड तेल भी आपको खा रहा है। ये तैतरीय उपनिषद का कहने का मतलब है। इसका मतलब आपकी आज जो कोई भी बीमारी है, वो चाहे शरीर की बीमारी हो, दिमाग की बीमारी हो, वो सब की सब हमारे अन्न से आई है। हमने चाहे हमको जाने अनजाने पहले नियम पता था नहीं पता था, खान पान की गलती की और इसलिए आज हम इतने सारे बीमार हैं। नेक्स्ट। तो खान पान से हमने सबसे ज्यादा जो बिगाड़ा है वो है अपनी अग्नि को, जठर अग्नि को। भूख लगने को क्या बोलते हैं गुजराती में? इतना हार्ड सवाल भी नहीं है, थोड़ा सिंपल बोलू। भूख लगने को गुजराती में क्या कहते हैं? भूख लागी छे। छे यहां पे छे नहीं रहेगा ना, ठीक है, भूख लागी छे। ओके, भूख लगी है, ये जो भूख लगना जिसको हम बोलते हैं ना, उसको आयुर्वेद में बोलते हैं जठर अग्नि। मतलब अपने को भूख लगता है, अपन जो खाना खाते हैं वो हजम होता है, ये सब काम अग्नि का है। आपके पेट में जो अग्नि है, भगवत गीता में आता है ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना सर्वदेहिनाम। भगवान क्या बोलते हैं कि मैं तुम लोग के पेट में हूं, पेट में अग्नि के रूप में हूं, मतलब मैं ही, तुम लोग जो खाते हो उसको हजम मैं करता हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो अपने पेट का ये जो अग्नि है, ठीक, आज के जमाने में वही सबका बिगड़ा हुआ है। आप बोलोगे मेरे को डायबिटीज है तो उसका अग्नि से क्या लेना देना, या मेरे को बहुत माथा में दुखता है उसका अग्नि से क्या लेना देना। पर आयुर्वेद ऐसे बोलता है कि दुनिया में जो भी बीमारी होती है, वो चाहे आपको सिर में हो, पैर में हो, पेट में हो, कंधा में हो, कहीं भी हो, वो सब की सब जब तक आपके पेट का अग्नि नहीं बिगड़ेगा तब तक बीमारी आपको नहीं होगी। तो क्या हुआ है? नेक्स्ट, हमने अपनी जठर अग्नि बिगाड़ के रख ली है, अपना जो पाचन तंत्र है वो सब बिगाड़ लिया है। नेक्स्ट, तो ये जठर अग्नि सुधारने के काम हम अब शुरू करेंगे। नेक्स्ट, देखो जैसे कभी श्लोक आया होगा, रोगा सर्वे अपि मंद अग्नौ। मतलब वाग्भट ऋषि, आयुर्वेद में बहुत सारे ऋषि हुए, उन लोग ने बहुत सारी बुक लिखी, उसमें वो बोलते हैं कि दुनिया में जो भी बीमारी होती है, रोगा सर्वे अपि, जितनी भी बीमारी है वो क्यों होती है? मंद अग्नि, मंद, मंद मतलब समझते हैं आप लोग, धीमा हो जाना, कम हो जाना। अग्नि, पेट का जो अग्नि है आपका बिगड़ गया। अभी देखो आप सबका अग्नि का कुछ ना कुछ इश्यू होगा। कुछ लोग का ऐसा होगा कि दिन में एक बार खाना खा लिया तो शाम तक भूख ही नहीं लगता है, या कुछ लोग का ऐसा होगा कि हर दो दो घंटे में भूख लगता है, कुछ लोग का ऐसा होगा कि एक दिन 10 रोटी खा लिया और अगले दिन एक भी रोटी नहीं खा पा रहे। तो ये जो अग्नि बिगड़ा है वही सभी बीमारी का कारण है। नेक्स्ट, तो आयुर्वेद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अग्नि को देता है, आपके पाचन तंत्र को देता है। अब लगभग आधा घंटा हो गया बातचीत करते हुए, इसमें से कुछ भी समझ में आया? कुछ भी? या सब लोग नींद को आप लोग ऊंग बोलते हो ना, ऊंग, या फिर आप लोग कितने बजे सोते हो यहाँ पे? कितना? 12 बजे। ठीक है, हम लगभग, मैं 9-10 बजे के आसपास सो जाता हूँ, वही मुझे लगा। बहुत बार अपन ऐसे होता है ना, वो वॉचमैन को देखा होगा आप लोग ने, कुछ वॉचमैन ऐसे होते जो आंख खोल के सोते, देखा है? कोई कोई वॉचमैन ऐसा होता है जिसका आंख खुला रहता है, अपने को लगता है वो जाग रहा है पर उसका नींद चालू रहता है। आप लोग में से भी तो ऐसा नहीं ना कि सामने, हाँ, ठीक है ठीक है, तो बोलते रहे, जब 2 घंटा हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे ठीक है सीताराम चलो अभी। नेक्स्ट, चलो मेन टॉपिक, आज का टॉपिक, आज हम केवल जब इकट्ठा हुए हैं, अभी ये सिर्फ हमने क्या बात की कि भाई आप जो भी बीमार हो, आपके खान पान की गलती के कारण बीमार हो, आपका जो अग्नि बिगड़ा हुआ है उसको ठीक कर लो, आपकी बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाएगी।
इतना भी समझ में आया तो ठीक है। ये अभी कुछ लिखा हुआ है यहां पे, क्या लिखा है? पानी जीवन या जहर? क्या है पानी? पानी जीवन है कि जहर है? पक्का पानी जीवन है? अब ये बोलो, कम बारिश होना अच्छा है कि ज्यादा बारिश होना अच्छा है? बारिश कम होना अच्छा है कि ज्यादा होना अच्छा है? सूरत में लास्ट टाइम बाढ़ कब आया था? 2006 में। हाँ, मुंबई में भी तभी आया था, उसके बाद से नहीं आया बाढ़। तो वो बाढ़ आया अच्छा था या कभी यहाँ पे अकाल सूखा पड़ा होगा वो अच्छा था? तो आप सिंपल बोलोगे, भाई ना ज्यादा पानी अच्छा है ना कम पानी अच्छा है, जितना जरूरत है उतना पानी होना चाहिए, बात खत्म, तो ही अच्छा है। सेम पानी के बारे में भी ऐसा ही है, ना पानी जीवन है ना पानी जहर है। अगर आप उसको आयुर्वेद के नियम से यूज करते हो तब तो वो जीवन है, और अगर अपने मन से कुछ भी यूज किया तो वो जहर का काम करेगा। नेक्स्ट, आप लोगों ने एक आजकल सुना होगा, ज्यादा पानी पियो ज्यादा पानी पियो, सुना है? कितने लोग ने सुना है? थोड़ा फ्रोजन, एक बीमारी होती है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर मतलब ये कंधा है ना वो पूरा अकड़ जाता है उसमें ना, मतलब ऐसा हाथ भी नहीं उठता है। तो आप में से कितने लोग को फ्रोजन शोल्डर है यहाँ पे? नहीं ना, तो चलो हाथ उठा के देखिए, कितने लोग ने सुना है ज्यादा पानी पीना चाहिए? सब ने सुना है। और कितने लोग ज्यादा पानी पीते हैं? आपने मतलब वो सुना होगा कि प्यास रहे ना रहे पानी पियो, है ना? क्यों पियो? तो बोलते किडनी साफ हो जाता है, लीवर साफ हो जाता है, दिमाग साफ हो जाता है, और आदमी भी साफ हो जाता है ना? ज्यादा पानी पियो, सुबह उठ के 4 ग्लास पानी पी लो, फिर दोपहर में पी लो, रात को पी लो, जितना घर में पानी मिले सब पी लो, और अपने घर का कम पड़े तो बाजू वाले का भी लाके पानी पी लो, है ना? आ गया पानी। ठीक, अब सबसे पहली गलती या सबसे ज्यादा बीमारी आपके घर में जो है, आप आयुर्वेद के, आज मैं पानी के कुछ नियम बोलता हूं वो आप अपना लो, 15 दिन, 2 हफ्ता, 15 दिन के अंदर आप देखोगे कि वो सब बीमारी आधे से ज्यादा कम हो गई जो आयुर्वेद के पानी के नियम है। तो आजकल जो आपने सुना होगा ज्यादा पानी पियो ज्यादा पानी पियो, उससे चेहरा सुंदर हो जाता है, घुटना दर्द ठीक हो जाता है, ऐसा हो जाता है, पेट साफ हो जाता है, कब्जियत चला जाता है, एसिडिटी चला जाता है, दुनिया भर का, आयुर्वेद क्या कहता है वो देखो, क्या लिखा है? जला अधिक के मनुष्याणाम आम वृद्धि प्रजायते। मतलब ये तो संस्कृत में है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जो भी आदमी बिना प्यास के जबरदस्ती पानी पीता है, आप में से कई लोगों ने देखा होगा सुबह उठते हो प्यास नहीं रहता फिर भी सुबह उठ के पानी पीते हैं, क्यों? टीवी में आया इसलिए, या व्हाट्सएप पे आया। आजकल तो डॉक्टर लोग का क्लिनिक बंद हो रहा है क्योंकि व्हाट्सएप भी सबसे बड़ा डॉक्टर है ना? घुटना दर्द में बबूल का फली खा लो ठीक, कैंसर में हल्दी खा लो ठीक, ऐसे व्हाट्सएप में बहुत कुछ आता है। तो व्हाट्सएप पे आता है ज्यादा पानी पियो ज्यादा पानी पियो, पर आयुर्वेद क्या कहता है? जला अधिक के मनुष्याणाम आम वृद्धि प्रजायते। जो भी आदमी, जो कोई भी बिना प्यास के जबरदस्ती पानी पीता है उसके शरीर में आम हो जाता है। आम, आम मतलब क्या? मैंगो। अपन आम खाते ना गर्मी में, क्या बोलते गुजराती में आम को? कैरी। कैरी कैरी तो कच्चे वाले को बोलते हैं ना, पके वाले को क्या बोलते हैं? पाकी कैरी। वाह, काची कैरी पाकी कैरी, ठीक है, हिंदी में हम उसको आम बोलते हैं, आम है ना। संस्कृत में आम मतलब क्या? जो चीज हजम नहीं होता, जो चीज सड़ता है उसको आम बोलते हैं संस्कृत में, ठीक। जैसे हिंदी में फूल मतलब क्या? फूल है ना, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, ये सब। अब इंग्लिश में फूल मतलब क्या? इंग्लिश में फूल मतलब मूर्ख। अगर आप किसी अंग्रेज को या किसी विदेशी को जाकर बोलोगे कि यू आर फूल, तो वो बेचारा भड़क जाएगा। उन लोग में फूल मतलब होता है मूर्ख, पागल। अपने में फूल मतलब बहुत सुंदर,
बहुत अच्छा है ना। तो वैसे ही लैंग्वेज के साथ चीजें चेंज हो जाती हैं। आम मतलब होता है जो चीज हजम नहीं होती, सड़ती है। क्यों होती है? जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं। आम वृद्धि, आम वृद्धिया तू मंद अग्नौ। अभी इसके पहले एक श्लोक याद आता होगा कि रोगा सर्वे अपि मंद अग्नौ, मतलब दुनिया में जो कोई भी बीमारी होती है वो अग्नि आपके पाचन के मंद हो जाने के कारण होती है। ज्यादा पानी आपका जो अग्नि है, जो भूख है, उसको मंद करता है। फिर आगे कहते हैं अजीर्ण। अब खाना हजम नहीं होगा तो उसको अजीर्ण कहेंगे। अजीर्ण तु जरत प्रति, फिर बुखार आना। बुखार आने के कारण धातु नाश होना। आपके शरीर में 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 की 7ों धातुओं को खराब होना। धातु नाशात सर्व रोगा, एक बार धातु का नाश होना चालू हुआ तो सभी बीमारी शुरू होती है। ये काम करता है ज्यादा पानी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये गलत स्लाइड है। तो ज्यादा पानी से आयुर्वेद में कहा है कि 60 क्या बोलेंगे गुजराती में 60 को? 60, ठीक। 60 बीमारी होती है अगर आपने ज्यादा पानी पिया तो। वो 60 बीमारी क्या क्या हो सकती है? आप में से बहुत से लोगों को पेट में गैस होता होगा। गैस, खाना खाने के बाद पेट एकदम भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि पेट के अंदर पूरा गैस भर गया। या खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा ओढ़कार आता होगा, ओढ़कार ना, कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत जोर जोर से ढकार लेते हैं, मतलब बाजू वाले को भी सुनाई देता है इतना जोर जोर से। या कुछ लोग खाना खाने के बाद सोते हैं तो गाना गाते हैं, करवटे बदलते रहे सारी रात हम। कई सारे लोग ऐसे होगा कि नींद ही नहीं आती, खाना खा लिया पर रात भर पेट यहां वहां ऐसे डांस कर रहे हैं पर नींद नहीं आती। या आप ऐसे कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऊंघ बहुत आती होगी, जैसे ही 8 बजे या 10 बजे ऑफिस जाने का टाइम हुआ, होता है कि ऑफिस पहुंच भी गए, रात में मस्त 8-10 घंटा सोए थे, पर फिर भी सुबह ऐसे डले रहते हैं, ऊंघ बहुत आती है, नींद बहुत आती है। या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको भूख ही नहीं लगती, बस टाइम हो गया इसलिए खाना खा रहे। ये सारी बीमारी ज्यादा पानी से होती है। नेक्स्ट, अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बोलेंगे अरे आयुर्वेद में तो लिखा होगा, वो 5000 साल पुराना है, कुछ नया बोलो, आज के जमाने का बोलो। तो आज का भी साइंस यही कहता है कि ड्रिंकिंग टू मच वाटर कैन किल यू। आप में से ऐसे लोग अगर कोई भी है जो जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं, बिना प्यास के पानी पीते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं, तो ड्रिंकिंग टू मच वाटर कैन किल यू। बहुत ज्यादा पानी पीना बीमारी ही नहीं करता, जान भी लेने का काम कर सकता है। नेक्स्ट, ये आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की मोनाश नाम की एक यूनिवर्सिटी है, नेट पे आप डालोगे ड्रिंकिंग टू मच वाटर कैन किल यू तो उसमें ये पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। वो लोग क्या बोलते हैं कि अपन जब बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो अपने शरीर में नमक होता है, नमक, नमक को क्या बोलते हैं? मीठू, मीठा, मीठू। ओके, तो जो मीठू है, नमक है, वो शरीर से पेशाब बहुत ज्यादा होके निकल जाता है, इसलिए ज्यादा पानी अवॉइड करना है। तो नियम नंबर एक अभी का, आप में से शायद कोई पेन वेन नहीं लाया होगा, ठीक है, कल लेके आएंगे, कल एक बार और रिपीट कर लेंगे चीजों। नियम नंबर एक, ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है कि बुरा? तो आपको अगर अब नेक्स्ट टाइम से कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे कि ज्यादा पानी पी लो, 15 दिन में कैंसर ठीक, 7 दिन में डायबिटीज ठीक, 8 दिन में चर्म रोग ठीक, तो उसको दोबारा रिप्लाई करने का कि पहले जाके आयुर्वेद पढ़, ज्यादा पानी पीना अच्छा नहीं है। इसका मतलब आपको जब प्यास लगे, जितना प्यास लगे उतना ही पानी पीना चाहिए। समझ में आता है? अच्छा हाँ, यहां मुंह से बोलेंगे ना, जोश, ठीक। तो जब प्यास लगे, जितनी प्यास लगे उतना पानी पीने का। अब ये नियम सुनते ही, आयुर्वेद का ये नियम सुनते ही सबसे बड़ा डाउट आएगा, खास करके बहुत सारी महिला लोग को डाउट आएगा कि मेरे को तो प्यास ही नहीं लगता है। प्यास को क्या बोलते हैं गुजराती में? तरस। मने तो तरस लगती नहीं,
हाँ मने तो तरस लागती नथी। ठीक है अब मैं धीरे धीरे गुजराती बोलता हूं तो शायद आप लोग ज्यादा समझे। मने तो तरस लागती नथी, तो क्या करें? बहुत सारे लोग होंगे कि मैं दिन में एक ही ग्लास पानी पीता हूं या दो ही ग्लास पानी पीती हूं, मेरे को तरस ही नहीं लगती। तो क्यों तरस नहीं लगती ये भी समझना चाहिए। नेक्स्ट, अपने को क्या लगता है कि हम जो पानी पीते हैं केवल वही पानी है, बाकी चीज नहीं? पर ऐसी बहुत सारी चीज होती है जिसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है, अपने को ध्यान नहीं आता। जैसे आप में से कितने लोग चाय पीते हैं? गुजरात में आए और चाय नहीं पिया? मैं कई सारे गुजराती घर में गया था तो वहां पे एक ही चीज वो बोलते थे, चाय तो पीऊ पड़ से। बोले चाय तो पीऊ पड़ से? बोले हाँ चाय तो पीऊ पड़ से। और फिर मेरे कुछ फ्रेंड लोग को पूछा तो उन लोग ने बताया कि भाई आप गुजरात में किसी के घर पे गए और आपने वहां पे चाय नहीं पिया तो आपने बहुत बड़ा अपमान कर दिया। मतलब वो बोलेगा कि मेरे घर पे चाय भी नहीं पिया, इतना अहंकार है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग चाय पीते होंगे, चाय के अंदर पानी होता है, तो वो पानी आपके शरीर में गया। फिर हम लोग नाश्ता करते हैं, उसमें कुछ फल फ्रूट खाते हैं, ठीक, या अपन लोग छाछ पीते हैं, छाछ में पानी होता है, दही खाते हैं, दाल आप खाते हो उसमें पानी होता है, सब्जी साग खाते हो उसमें पानी होता है, ठीक, ऐसे सलाद रायता जूस कुछ ना कुछ ऐसे कर करके हम दिन में बहुत बार ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा पानी पी लिए रहते हैं। ये सब खाने पीने के कारण हमको बहुत बार प्यास नहीं लगती। आपका शरीर, तुम्हारा शरीर बहु बड़ा डॉक्टर छे, नहीं बहु मोटू डॉक्टर छे, मतलब मेरा क्या कहना है कि आपका जो शरीर है वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। जब उसको पानी की जरूरत है तो आपको अपने आप तरस लगेगी, सही है, तरस प्यास। जब आपको पानी की जरूरत है आपके शरीर को तब तुरंत आपको तरस लगेगी। फिर देखो चाहे भले रात के 2 बजे हो, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रात को 2 या 3 बजे उठ के पानी पीते होंगे। क्यों, क्या जरूरत है? इतना अच्छा ऊंग आ रहा था, बेफालतू का उठ के जाके वो पानी पीना, क्यों? क्योंकि तब तरस लगा था। क्यों तरस लगा था? क्योंकि शरीर को उस टाइम पे पानी चाहिए। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको रात को 2 या 3 बजे उठे और तुरंत कुछ खाने का मन करता है और जब तक कुछ खाया नहीं एकदम बेचैनी रहता है। तो शरीर को जब जब प्यास चाहिए, मतलब पानी चाहिए, तो आपको तरस लगेगा, उसको खाना चाहिए तो आपको भूख लगेगा। तो जब आप दिन भर में इतना सारा जूस पानी फल और क्या बोलते हैं चाय सलाद ये सब पी पी के आपके बॉडी में अगर पानी है तो आपको प्यास नहीं लगता, ठीक। नेक्स्ट, एक चीज समझ में आया कि जब प्यास लगे तब पानी पीने का, मतलब ज्यादा पानी पीना अच्छा कि बुरा? बुरा, ठीक। चलो अब दूसरा एक और आदत आजकल बहुत YouTube WhatsApp Facebook या चालू होगा, सवारे उठ के पानी पीने का, सुना है आपने? आप में से कितने लोग सुबह उठ के पानी पीते हैं? क्यों पीते हैं? क्यों वो नहीं मालूम, क्यों पीते वो नहीं मालूम, किसी ने बोला सवारे पानी पीने का, अच्छा सवारे पानी पीने का पियो। क्या बोलेंगे गुजराती में सवारे पानी पीने को? सवारे पानी पीवानू, नाड़ा कोठे पीवानू, नाड़ा खतरनाक है, ठीक है। मैं सवारे पानी बोलता हूँ, ठीक है, गुजराती सीखने में टाइम तो लगेगा ना, और नावड़ा कोठे इतना, हाँ ठीक है ठीक है, हम लोग सवारे पानी बोलेंगे, सवारे पानी, ठीक है। अभी मैं बोलने वाला हूं वरना पता चला आप ये जितने लोग हो सब एक एक डंडा लेके बैठ गए, चल पहले गुजराती सीख, गुजराती ठीक से बोल तभी चलेगा, है ना। चलो, आप में से बहुत सारे लोग ये सुनते होंगे कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, तो क्यों पीना चाहिए? तो आपको लोग बोलते होंगे कि आप सवारे पानी पियोगे तो कब्जियत चला जाएगा, सवारे पानी पियोगे तो एसिडिटी बरतरा चला जाएगा और बहुत सारा फायदा बताते होंगे, या अगर आप मोटे हो और सवारे पानी पीते हो तो आप एकदम स्लिम हो जाओगे, कैटरीना कैफ हो जाओगे या हेमा मालिनी हो जाओगे, है ना, एकदम पतले से हो जाओगे, या सवारे पानी पियोगे तो आपका घुटन दर्द चला जाएगा,
ऐसे बहुत सारे फायदे बोलते हैं, पर क्या सवेरे पानी पीना ही चाहिए? क्या सबको सवेरे पानी पीना चाहिए? तो आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता, सुबह उठकर पानी पीना जरूरी है ऐसा आयुर्वेद में दिनचर्या में कहीं नहीं लिखा, कहीं पे भी नहीं। दिनचर्या मतलब क्या? सवेरे उठने से लेके रात को सोने तक, उसको दिनचर्या बोलते हैं आयुर्वेद में, कि आप जब सुबह उठते हो तब से लेके रात को सोने तक आपको क्या क्या करना चाहिए, उसे दिनचर्या आयुर्वेद में बोलते हैं। उस दिनचर्या अध्याय में, अष्टांग हृदय में, अष्टांग संग्रह में या चरक संहिता में कहीं भी सवेरे उठ के पानी पियो ऐसा नहीं लिखा है। तो ये सवेरे पानी पीने का फिर नियम कहां से आया? तो ये जो बाद में उन ऋषियों के बाद जो बुक्स लिखी गई उसमें ये आया, पर सवेरे पानी पीने की जो है वो कंडीशन है। आप बहुत बार सुनते होंगे कि सुबह उठ के कितना ग्लास पानी पीना चाहिए, कितना ग्लास? दो। और वो अपन बोली लगाते हैं ना, इसकी 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10000, कितना? 4। आगे बढ़ाओ, बोली बढ़ाओ। आप बहुत बार सुनते होंगे कि सवेरे उठ के 4 ग्लास पानी पियो, या 1 लीटर पानी पियो, या 1.5 लीटर पानी पियो, है ना? आयुर्वेद में ऐसे नहीं लिखा है। नेक्स्ट, नहीं ये स्लाइड गलत आ गई। सवेरे उठ के जो पानी पीना है वो पानी पीना उसके लिए कहा है जिसको सुबह उठकर प्यास लगती है। अभी हमने पहला नियम क्या सुना, कि जब प्यास लगे, जब तरस लगे तब पानी पियो, ये पहला नियम था। अब यही नियम यहां पर भी आता है कि जब आपको तरस लगे तो ही पानी पियो। सवेरे उठने पे अगर आपको तरस लगता है तो पानी पीना अच्छा है, वरना बिना प्यास के, बिना तरस के अगर आप सुबह पानी पीते हो तो बहुत बार आप में से ऐसे होगा कि पेट तो साफ हो जाता होगा। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे कि सवेरे उठ के जब तक पानी नहीं पिया तब तक पेट ही साफ नहीं होता है। अब पेट साफ होना वो एक नेचुरल क्रिया है। आपने कोई जानवर को देखा है क्या कि सुबह सबसे पहले उठता है, नदी पे जाता है, फिर पानी पीता है और पानी पीने के बाद उसका पेट साफ होता है? ऐसे कोई जानवर को देखा है कोई जानवर अभी तक अपने तो पहचान में नहीं है ना? या कोई बच्चे को देखा है क्या कि वो सुबह उठता है सबसे पहले बोलता है पानी दो पानी, पहले पानी पीता है और फिर जाता है पेट साफ के लिए? सुबह पेट साफ होना एक नेचुरल क्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। अब कुछ लोग ना आदत लगा लेते हैं पानी की, जैसे कुछ लोग को आदत लग जाती है बीड़ी और सिगरेट की। आप लोग देखो, कुछ लोग ऐसे होंगे जब तक सुबह तंबाकू नहीं खाते उनका पेट साफ नहीं होता। जब तक उनको तंबाकू नहीं मिलेगा वो कुछ भी हो जाए पेट। कुछ लोग ऐसे होंगे जब तक सुबह चाय नहीं पिया प्रेशर नहीं बनता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जब तक कुछ खाया नहीं, आप में से बहुत से लोग होंगे कि सुबह जब नाश्ता कर लेते हैं ना तो नाश्ता करने के बाद प्रेशर बनता है। ऐसे ही कई सारे लोग वो आदत डाल लेते हैं कि सुबह पानी पिया तो ही पेट साफ होता है। तो सुबह का जो पानी है, हमारे पास ऐसे कई सारे पेशेंट हैं जिनको एसिडिटी से लेके चर्म रोग तक ये सारी बीमारी है सवेरे पानी पीने के कारण। तो सवेरे पानी कब किसे पीना चाहिए? जिसे तरस लगता है। अब आप में से कुछ सवाल आएगा कि पेट साफ नहीं होता तो क्या करें, उसके लिए चौथे दिन बात करेंगे कि क्या क्या दवा घर पे कर सकते हो, आज नहीं। पर सवेरे प्यास लगता है तो ही पानी पियो। और कितना पानी पीने का? कितना तरस लगे इतने ही। आयुर्वेद में एक अमाउंट बताया, मात्रा बताया, 750 ml। 750 गुजराती में ट्रांसलेट करो, 750। 750 ml पानी पीने के लिए सुबह बोला है, ना कि 1 लीटर या फिर 4 ग्लास। ठीक है, तो आज का नियम नंबर 2, जैसे कि नियम नंबर 1 था जब प्यास लगे तब पानी पियो, नियम नंबर 2 सुबह उठ के अगर आपको तरस लगता है, या सिंपल सवारे पानी पीने से अगर आपका शरीर अच्छा होता है तो ही पियो। एक ना योग रत्नाकर करके ऋषि हुए, आप में से कोई लोगों को यह समस्या है क्या कि गर्दन में दर्द होता है? गर्दन में क्या बोलते हैं गर्दन के दर्द को? गड़ू, डोकू। ये गर्दन को डोकू बोलते हैं, डोका मतलब तो सिर होता है ना, मराठी में डोका मतलब सिर, और यहां पे डोकू, ये दुखता है। ठीक है,
आप में से बहुत सारे लोग को होगा कि ये जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं, बहुत बार आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो एक्सरे निकालता है, बोलता है आपको सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल। या कई सारे लोग को सर्दी होगा, सर्दी मतलब रात को ठीक से सोते हैं पर सुबह सो के उठते हैं तो एकदम नाक बंद रहता है या सिर एकदम भारी रहता है। या कई सारे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा खर्राटा मारते होंगे रात में। खर्राटे को क्या बोलते हैं? क्या? खराटू, नाखोड़ा, नाखोड़ा, सही है? नहीं, नसखोरा, नसखोरा, ओके, धीरे धीरे, है ना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नसखोरा करते होंगे, हाँ वो समझ लो आप लोग अभी इतना, ठीक। मतलब आप तो सो गए पर बाजू वाला नहीं सोएगा, इसका पक्का गारंटी है। और कुछ लोग तो ऐसा नसखोरा मतलब करते हैं, वो अलग अलग टाइप का रहता है, थोड़ा ऊपर आता है, थोड़ा नीचे आता है ना। तो जिन लोग को भी नसखोरे का तकलीफ है या रात में ठीक से सोते हैं पर सुबह नाक बंद हो जाता है, या सवारे जब सो के उठते हैं तो सिर में दर्द होता है या गर्दन में दर्द होता है, या सवारे बॉडी स्टिफ रहता है मतलब अकड़ा हुआ रहता है, थोड़ा आधा घंटा एक घंटा लगता है थोड़ा बॉडी हिलने के लिए, या जब तक चाय नहीं पिया, गर्म पानी नहीं पिया तब तक बॉडी हिलता ही नहीं, अगर ऐसा तकलीफ है तो योग रत्नाकर ऋषि क्या बोलते हैं कि रात को सोते समय अगर आपको प्यास लगा है तो कभी भी सादा पानी या ठंडा पानी मत पियो। रात को सोते समय ऊंघ में जाते समय जो आप पानी पीते हो, आप में से बहुत से लोग सादा पानी पीते होंगे, ठंडा पानी तो नहीं पीते होंगे पर मटके का पानी या फिर सादा जो अपना स्टील के बर्तन में पानी होता है पीते होंगे, पर वो सभी पानी है ना आपको यहां के ऊपर कफ का बीमारी करता है। कफ गले के ऊपर में अगर आपको कोई भी बीमारी है, वो चाहे चश्मा है या फिर नाक रात में बंद हो जाता है, नसखोरा बहुत आता है, या सिर भारी रहता है, या गर्दन में दर्द होता है, तो योग रत्नाकर ऋषि बोलते हैं कि रात को सोते समय सादा या ठंडा पानी मत पियो। कौन सा पानी पियो? बोलते उष्णोदक, गर्म पानी पियो, गर्म। रात को जब आप सोने लग जाओ अगर आपको प्यास लगी, या आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि रात को उठते होंगे यूरिन पेशाब जाने के लिए, यूरिन जाकर आए और आने के बाद तुरंत पानी, मुंह एकदम सूख जाता होगा, तो मुंह सूख जाता है तो पानी पीते होंगे, तो क्या करना है, एक थर्मस आप लोग जानते हो है ना, एक छोटा सा कोई भी बॉटल रखने का, रात में पानी गर्म करके उसमें रख देने का, वो पानी पीना है। अगर आप रात को सोते समय हल्का सा गर्म पानी पियोगे तो गले के ऊपर का जो कोई भी कफ का बीमारी है, वो चाहे सर्दी हो, खांसी हो, गर्दन का दर्द हो, सिर बहुत भारी लगता हो, नसखोरा हो, ये सब बीमारी ठीक हो जाएगी या वो सब बीमारी नहीं होगी। तो रात, अभी तक हमने दो नियम की बात की कि जब प्यास लगे तब पानी पियो, सवेरे भी जब प्यास लगे उतना पानी पियो, रात को अगर आप पानी पी रहे हो तो गर्म पानी पियो, खास करके अभी ठंडी के मौसम में। अभी आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको कफ है ना, तो वो अभी आप यहां से जब जाओगे तो घर पे जाके गर्म पानी पीने का। नेक्स्ट, अब पानी कम कब पीना, अपने देश में अपने आयुर्वेद में ज्यादा पानी पीने तो कहीं भी नहीं बोला है, कहीं भी नहीं। हाँ, कम पानी पीने के लिए जरूर बोला है। आप बोलोगे यार कम पानी मतलब क्यों कम पानी, कई ऐसी बीमारी है जिसमें वो बोलते हैं कि पानी या लिक्विड थोड़ा कम लिया तो ही अच्छा। आप में से अगर जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए होंगे, हॉस्पिटल में हार्ट का, हृदय का जिनका ऑपरेशन हुआ होगा, तब देखो डॉक्टर लिखता है लिक्विड डाइट रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जो भी आप लिक्विड ले रहे हो वो लिमिट मात्रा में लेना। तो ऐसी बहुत सारी बीमारी है। आप में से जिन लोग को भूख बहुत कम लगती है, अग्नि पाचन तंत्र अगर बहुत कमजोर है तो पानी की मात्रा थोड़ी सी कम रखना ज्यादा अच्छा, या पानी वाले जितने आइटम है जैसे कि दूध है, जूस, पानी का ही आइटम है जूस, नारियल पानी, ठीक, या नींबू पानी, ये सारी चीजें आपको कम लेनी चाहिए अगर आपको पाचन तंत्र, आपका भूख बहुत कमजोर है। तो अगर आपको शरीर में गांठ है, गांठ पेट में गोला होता है, क्या बोलते हैं उसको,
बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ना पेट में वायु का गोला होता है, मतलब खाना खाने के बाद कभी इधर गैस होता है, कभी उधर गैस होता है, कभी ऐसा गैस होता है, उन लोगों को, जिन लोगों के शरीर में खून का कमी है ऐसे लोगों को, या ऐसे लोग जिनको खाना खाने के तुरंत बाद लैटरिन जाना पड़ता है, शौचालय जाना पड़ता है, आईबीएस बोलते हैं, आईबीएस मतलब कई सारे लोग ऐसे होंगे कि खाना खाया और खाने के तुरंत बाद वॉशरूम जाना ही पड़ता है, मतलब कंट्रोल नहीं होता, ये बीमारी अगर है तो ऐसे में ज्यादा पानी पीना अच्छा आपके लिए नहीं है। ठीक, आयुर्वेद में सिर्फ दो मौसम में पानी अच्छे से पीने के लिए बोला है, एक तो गर्मी और दूसरा शरद ऋतु। शरद ऋतु अर्थात अक्टूबर, अक्टूबर का महीना और गर्मी, इस टाइम पे बोला है कि भाई आपको प्यास के हिसाब से पियो, बाकी टाइम पे पानी की मात्रा जितना लिमिट में रखोगे उतना अच्छा। इसलिए मैंने पहला वो स्लाइड रखा था, पानी जीवन या जहर। अब आपको सुन के लग रहा होगा ये पागल हो गया क्या, अभी तक तो हम लोग ने सुना है पानी बहुत अच्छा है, पानी से ऐसा होता है वैसा होता है। आप 15 दिन के लिए जो आयुर्वेद की राय है वो करके देखिए और आपको पता चलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, उष्ण जल। अब जब भी पानी पीना है तो उसमें अपने पास तीन ऑप्शन है, तीन, या तो गर्म पानी पी सकते हैं, या ठंडा पानी माटला का पानी, मटके का पानी पी सकते हैं, या तीसरा गर्म करके ठंडा पानी पी सकते हैं। अब ये तीनों पानी सबको पीना चाहिए क्या? आप बहुत बार सुनते होंगे कि कोई भी बीमारी हुई तो गर्म पानी पी लो, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहर से आते होंगे फ्रिज का बॉटल निकालते होंगे और डायरेक्ट अंदर, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पानी को गर्म करके ठंडा करके पीते होंगे। तो ये जो तीनों पानी है ना, वो तीनों अलग अलग बीमारी में बोला है आयुर्वेद में, सबके लिए नहीं है। गर्म पानी किसको पीना, तो बोलते हैं गर्म पानी उन लोगों को पीना चाहिए जिनका भूख कम है। आप में से ऐसे लोग जो खाना खाते हैं पर खाना हजम नहीं होता, सो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हाँ ठीक है बोल ले, क्या हुआ, बोर हो रहा है, बंद करूं? अभी कितना बचा, एक ही घंटा हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी खत्म करूं, क्योंकि मुझे भी प्रवचन सुनना अच्छा नहीं लगता, और खास करके हिंदी वाला प्रवचन, गुजराती होता तो कुछ समझ में भी आता अपने, है ना। अपना उम्र बढ़ता है, अपन क्या सोचते हैं, जवानी में तो मैं 10 रोटी खाता था, बुढ़ापे में कम से कम 12 तो खाना ही चाहिए ना, ऐसे नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ अपना पाचन तंत्र कमजोर होता है। तो जिन लोगों को भी, आप में से बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है, अगर आपको भूख नहीं लगता तो सादा पानी नहीं, आपको कौन सा पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, जिसको आयुर्वेद में उष्ण जल बोलते, गुजराती में क्या बोलेंगे गर्म पानी को, गर्म पानी। अच्छा, इसमें हिंदी और गुजराती सेम है। ठीक, क्या कुछ नया निकाला, उनो उनो कन्नड़ में, कन्नड़ में मेरा एजुकेशन कर्नाटक का है, तो हैदराबादी जो लैंग्वेज होती है ना, उनो मतलब वो, जैसे आपने ना उनो वो गाना था ना, उनो रस्ते से जा रही थी, तो उनो मतलब वो, तो गुजराती में उनो मतलब गरम। ठीक है, हम गरम बोलेंगे केवल, है ना। जिनको भूख नहीं लगती, जिनका खाना हजम नहीं होता, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। जिनको गले का कोई ना कोई बीमारी है, आप में से कई सारे लोग होंगे जो ऐसे करते होंगे, गले की खिचखिच, इसका क्या गुजराती वर्ड है, खिचखिच, खचड़ी, खिचखिच, ओनली खिचखिच। जिन लोगों को गले में बहुत खिचखिच होता है, मतलब बोलते समय ऐसे बार बार करना पड़ता है, या जो लोग गले का काम बहुत करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, गाना गाते हैं, या कुछ ना कुछ जो भी गले का काम है, या गले में कफ बहुत होता है, गले कफ को उधरस बोलते हैं ना, देखा थोड़ी बहुत गुजराती आती, तो जिनको उधरस बहुत होता है, या गले के ऊपर का अगर बीमारी होता है, तो गर्म पानी पियो। क्यों गर्म पानी पियो, क्योंकि आयुर्वेद में बोलते हैं कि जो भी गर्म पानी है वो हल्का होता है हजम करने के लिए। जब आप गर्म पानी पीते हो तो वो हल्का होता है,
तो आप में से जितने भी मोटे लोग हैं जिनको वजन कम करना है या जिनको फैटी लीवर है, लीवर के अंदर फैट इकट्ठा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल आ गया है, ब्लॉकेज आ गया है, ऐसे टाइम पे गर्म पानी अच्छा है। बस्ती शोधनम मतलब ऐसे लोग जिन लोग का पेशाब रुक रुक के आता है, यूरिन, पेशाब, यूरिन को क्या बोलते हैं गुजराती में? पेशाब ही बोलते हैं ना। ऐसे लोग जिनको पेशाब बहुत रुक रुक के आता है या पेशाब होते समय बहुत दर्द होता है, कई सारे खास करके पुरुषों में ऐसा होता है, एक बीमारी होती है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर में क्या होता है कि जो पेशाब है ना वो बहुत रुक रुक के धीमा धीमा गिरता है, या उम्र बढ़ने के साथ पुरुष लोगों में प्रोस्टेट का बीमारी आता है। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट आप डॉक्टर के पास जाओगे वो बोलेगा प्रोस्टेट आपका बढ़ गया है इसलिए आपको पेशाब का तकलीफ हो रहा है। ऐसे में अगर आप सादा पानी के बदले गर्म पानी पियोगे तो वो आपका जो किडनी है वो सबको साफ करेगा और प्रोस्टेट या यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर जैसी बीमारी से बचाएगा। फिर जिसको बहुत ज्यादा ढकार आता है, उद्गार, या जिसका खाना खाने के बाद पेट अगर फूल जाता है, आप में से बहुत सारे लोग खाना खाते समय पानी पीते होंगे, तो उस समय पे जो पानी पीना है वो गर्म पानी पीना है, अगर पेट में पेट बहुत गैस हो जाता है, पेट बहुत भारी हो जाता है। ठीक, जिन लोगों को वायु का, गुजराती में वायु को वा बोलते हैं, वा है ना, किसी का घुटना दर्द, घोटन दर्द हो रहा है तो आप क्या बोलते हो कि वाह वधारी गया छे, वाह वधी गया छे, वाह वधी गया छे, घुटना दर्द हो रहा है तो वाह वधी गया छे, या फिर कमर दर्द हो रहा है तो वाह वधी गया छे। तो ये आपके शरीर में जो कुछ भी दर्द हो रहा है वो वाह के कारण होता है, वाह। तो अगर आपको वायु का कोई ना कोई तकलीफ है, कमर दर्द, घुटना दर्द, सिर में दर्द, या बहुत ज्यादा गैस होता है, ओडकार बहुत आता है, नीचे से गैस बहुत निकलता है, या कुछ लोग को बीमारी होगा कि शरीर में कहीं भी दबाया तो गैस निकलता है, ऐसा है कि शरीर में अगर हाथ को ऐसे दबाया तो ओडकार आता है, या पैर को ऐसा दबाया तो ओडकार आता है, ऐसे सभी बीमारी में गर्म पानी पीना चाहिए। जिनको कफ का बीमारी है, कफ, कफ मतलब उधरस। अब कफ मतलब केवल सर्दी खांसी नहीं होता, कफ के और भी बीमारी है, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का बीमारी पता है, थायराइड, आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको थायराइड के कारण वजन बढ़ रहा होगा, वजन मतलब आपको भूख कम हो गया होगा, रिपोर्ट में थायराइड आया और वजन एकदम बढ़ता चला जा रहा है, या डिलीवरी होने के बाद शरीर का एकदम पूरा साइज बढ़ते जा रहा है, या शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज आ गया है, डॉक्टर के पास गए, हार्ट का रिपोर्ट निकाला, वो बोलता है कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज, या लीवर के अंदर फैट आ गया है, किडनी में ब्लॉकेज आ गया है, ऐसे जहां कहीं भी ब्लॉकेज है तब आपको गर्म पानी पीना चाहिए। अगर आपको बुखार आता है, फीवर, एक बार कुछ एक हफ्ते पहले की कुछ बात है, बापू से बात कर रहे थे तब उन्होंने ऐसे बोला कि यहां पे डेंगू बहुत होता है, डेंगू, 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 ठीक है। अब मैं, मेरे साथ क्या है कि मैं मुंबई से आया हूं, वहां पे मराठी, मेरा जो नेचुरल टोन है वो भोजपुरी, ठीक, अभी बीमारी का नाम इंग्लिश डेंगू, और मैं लेक्चर दे रहा हूं गुजराती पब्लिक के बीच, तो अब ये खिचड़ी का क्या निकलेगा वो आप समझ के ले लो, ठीक। मेरा इतना ही बोलना है कि अगर आपको बुखार होता है, फीवर होता है, तब आपको गर्म पानी पीना चाहिए। आप में से ऐसे लोग जिनको श्वास का तकलीफ है, खांसी बहुत आता है, और खांसी आने के बाद आप में से बहुत सारे लोग देखो गोली तो खाते हैं पर जब पानी पीते हैं तब सादा पानी पीते हैं, या मटके का पानी या टंकी का पानी पीते हैं, गलत है। अगर आपको खांसी का कोई भी बीमारी है, आपको ऐसे लगेगा ये क्या इतनी बड़ी बड़ी बीमारी में केवल पानी 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 बोल रहे हैं, पानी, मुझे भी पता है कि अगर मैं ये पानी के बदले अगर मैं उधरस या फिर एसिडिटी या घुटना दर्द या डायबिटीज के बारे में बात करता तो आपको ज्यादा अच्छा लगता, अगर मैं ब्लड प्रेशर के बारे में बोलता तो आप लोग को ज्यादा अच्छा लगता कि अरे कुछ बोल रहा है, पर मैंने फिर पानी क्यों चुना, इतना बोरिंग टॉपिक है ना, पानी पानी पानी। पानी इसलिए चुना क्योंकि हमारे शरीर का 70% से ज्यादा जो बना हुआ है वो पानी से बना हुआ है। अगर आप अपने शरीर में पानी पीने का ही तरीका ठीक कर लो तो 70% से ज्यादा बीमारी ठीक कर सकते हो, इसलिए आज का जो दिन है वो पानी के ऊपर रखा।
वरना बीमारी के बारे में भी बात कर सकते थे, पर ये छोटी सी आदत है। आपको लगेगा सादा पानी के बदले गर्म पानी पिया तो सब ठीक हो जाएगा, क्या ठीक होता है? हमारे कई सारे पेशेंट हैं जिनको हमने दवा नहीं दिया, केवल उनका पानी चेंज किया। जैसे कई पेशेंट थे जिनको एसिडिटी था, एसिडिटी को आप लोग ने क्या बोला, बरतरा। कई सारे लोग को बरतरा था बहुत, और वो एंटा एसिड, बरतरा के लिए एक गोली आती है एंटा एसिड बोलते हैं, वो आप खाते, वो खाते थे, फिर भी उनका वो वैसे ही था। हमने उनको सिर्फ इतना ही समझाया कि भाई आप सुबह का पानी बंद कर दो और आपको जब प्यास लगे पानी पियो। इस एक आदत से उनका 20-25 साल का जो एसिडिटी था वो ठीक हुआ है। तो आप बोलो उसको दवा देके ठीक करना अच्छा था कि उसकी आदत चेंज करना? इसलिए आज मैं पानी के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे भी पता है बहुत बार बोर लगता है, क्या पानी घर में रखा है उसका भी, पर अगर आपको ये जो मैं बीमारियां हैं वो बोल रहा हूं आप चेंज करते हैं तो आपको फर्क दिखेगा। एक शब्द आया है देखो, कास पीनस, पीनस मतलब जिन लोगों को नाक से ना पानी गिरने का तकलीफ है, साइनस बोलते हैं, साइनस। आप में से बहुत सारे लोगों को ये होता होगा, जिनको नाक से पानी, वो भी गाढ़ा पानी अगर गिरने का तकलीफ है, तब सादा पानी नहीं गर्म पानी पियो। श्वास का तकलीफ है, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, या डस्ट का, आप में से कई सारे लोग को एलर्जी होगा, एलर्जी कि बाहर गए थोड़ा सा भी धूल लगा, या घर पे पंखा वंखा साफ कर रहे थे, झाड़ू मार रहे थे और श्वास का तकलीफ बढ़ गया, तब गर्म पानी पीना चाहिए। और अगर आपको यहां पे दर्द होता है, ये इस तरफ में सीने के ये वाले साइड में, इसको पार्श्व कहते हैं, फ्लैंक, यहां पे जो रिप्स होती है इस जगह पे, कई लोगों को इस जगह पे अगर दर्द होता है, आपको कई बार आप काम करते समय देखो मोच आती है, मोच अचानक से ये अकड़ गया, इस तरह का अगर आपको समस्या है तब आपके जो खाने पीने या दिन भर में जो भी पानी पीना है गर्म पानी पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, यही उसका श्लोका है जो मैंने अभी तक बोला कि कफ ये सब में लेना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब ठंडा पानी कब पीना चाहिए, गर्म पानी की बीमारियों की बात हो गई, ठंडा पानी कब पीना चाहिए? तो आयुर्वेद में बोलते हैं जिन लोगों को जलन बहुत होती, जलन, अगर आपके हाथ पैर में बहुत ज्यादा जलन लगती है, बरतरा है ना, है बोर हुआ थोड़ा, आप में से कई सारे लोग को लग रहा होगा ना बस एक दिन फंस गया, कल से यहां पे हम लोग दिखाई भी नहीं देंगे। आयुर्वेद में ऐसे लिखा है कि जिन लोगों को पित्त, अभी हम में से बहुत सारे लोग ये शब्द समझते हैं कि वाह हो गया, पित्त हो गया, जिन लोगों को भी शरीर में जलन होती है, बरतरा होता है, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो रात को सोते समय पैर पे जब तक ठंडा पानी नहीं डाला तब तक नींद नहीं आता, पैर में बहुत जलन होता है, या हाथ में बहुत पसीना आता है, पैर में बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी लगता है, आग जैसे लगता है, तब आपको ठंडा पानी पीना चाहिए। जिन लोगों को चक्कर आता है, चक्कर, कई सारे लोग होंगे जिनको काम देख के चक्कर आता होगा, है ना, अरे बाप रे इतना बर्तन इतना कपड़ा, है ना, जिन लोगों को चक्कर आने का तकलीफ है उनको ठंडा पानी पीना चाहिए। जिन लोगों को जलन तो मैंने बोल ही दिया, जिनको उल्टी होती है, वॉमिटिंग होने की तकलीफ है, ऐसे टाइम पे ठंडा पानी ज्यादा सुटेबल है। या जिन लोगों को बार बार सिर घूमता है, चक्कर आता है, अपने यहां पे ना इसका एक परंपरा भी है, देखो कि कोई चक्कर खा के बेहोश गिर गया होगा ना तो उसके मुंह पे गर्म पानी डालते कि ठंडा पानी, गर्म पानी क्यों नहीं डालते, चक्कर आया है वो बेहोश पड़ा है तो गर्म पानी डालो जल्दी उठेगा, अपन ठंडा पानी डालते हैं, क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में आया है कि जिन लोगों को भी दिमाग का कुछ ना कुछ तकलीफ होता है, चक्कर आता है या फिर बहुत ज्यादा सिर घूमता है, बेहोश हो जाते हैं, ऐसे लोगों को अगर वो खाने में ठंडा पानी, ठंडा मतलब फ्रिज का नहीं, अपना जो मटके का जो पानी होता है वो पानी पियेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अभी आप में से पता नहीं, गुजरात में तो बैन है, पर ऐसे लोग जो लोग अल्कोहल पीते हैं या जो लोग शराब पीते हैं और उसके अगर साइड इफेक्ट होते हैं तब ठंडा पानी लेना चाहिए। एक विशेष बीमारी का नाम बोले,
अगर आपको ऊपर की तरफ से कहीं से भी खून निकलता है, खून अभी तो नहीं, गर्मी के मौसम में ऐसे होता है कि कई लोगों को नाक से खून गिरता है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, नकसीर, नसखोरी, एक मिनट, जो खर्राटा आता है उसको क्या बोलते हैं, नसखोरा, और जो नाक से खून गिरता है उसको नसखोरी, नसखोरा, नसखोरी, ठीक। जिन लोगों को नसखोरी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को नाक से, ये बच्चे लोगों को ज्यादा, मतलब तो आधे लोग तो वो लेक्चर कम, ये गुजराती ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं ना, ठीक है, मतलब यहाँ से आप जब जाओगे कोई पूछेगा वो वहां पे 2 घंटे बैठे थे क्या सिखाया, क्या सिखाया भी क्या, कुछ नहीं, उसको गुजराती नहीं आती थी, हम लोग हंस रहे थे बस, ठीक। वो बोलते हैं कि अगर आपको नाक से, कान से, या कई लोगों को आंख में बहुत गर्मी हो जाती है और कई बार तो ब्लड भी निकलता है, ऐसी बीमारियां हैं, तब आपको मटके का पानी ज्यादा अच्छा है बजाय सादा पानी के। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक। अब एक और सवाल पानी को लेके, खाना खाते समय पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, शोले मूवी देखी, शोले आपने, शोले बसंती वाली, शोले जय वीरू, आप तो बोल रहे थे कि हिंदी नहीं देखते अभी, चलो देखते हैं, पुराने जमाने में देखते थे आजकल नहीं देखते। शोले मूवी में वो बोलता है ना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ठीक है चलो। खाना खाते समय पानी पीना चाहिए कि नहीं, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, हाँ तो बताओ, ठीक है, यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ की कम, अब कितने लोग मानते हैं कि खाना खाते समय पानी जरूर पीना चाहिए, कोई नहीं मानता, इसका मतलब क्या होगा, अच्छा एक जन ने बोलते छाछ पीने का, पानी में नहीं पान पीता है और गुजरात पे छाछ नहीं पिए तो क्या, मतलब खाते समय तो छाछ तो पीऊ पड़ से और बाकी टाइम पे आया तो चाय तो पीऊ पड़ से, है ना, बस समझ गए, इतना तो आगे काफी। चलो आयुर्वेद का थोड़ा सा अलग कुछ बोलना है, वो बोलता है ये जो पानी है ना, ये बहुत बड़ी दवा भी है और बहुत बड़ा बीमारी करने वाला आइटम भी है। अगर ये पानी को आप खाने के पहले, खाने के बीच में और खाने के बाद पियोगे तो अलग अलग फायदा है और अलग अलग नुकसान भी। तो नेक्स्ट, क्या फायदा और नुकसान है, वो बोलते हैं कि जो भी लोग खाना खाने के पहले पानी पीते हैं, आप में से कई ऐसे कई लोग को देखा होगा कि गर्मी से बाहर आया, धूप में से फ्रिज का वो खोला बॉटल, पानी पिया और फिर खाना खाने बैठ गया। बोले कि जो लोग खाना खाने के पहले पानी पीते हैं वो पतले हो जाते हैं या उनका अग्नि मंद हो जाता है या शरीर पतला होता है। तो ये कौन पी सकता है, खाना खाने के पहले पानी किसको पीना चाहिए, आप में से जो लोग मोटे हैं, मोटे, अगर वजन कम करना है तो खाना खाने के पहले 2 या 4 घूंट आपको पानी पीना चाहिए। कौन सा पानी, गर्म की ठंडा, मोटे लोग को कौन सा पानी, गर्म। तो अगर आपका वजन ज्यादा है, आपका फैट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और आपको लगता है कि नहीं यार अब बहुत टाइम आ गया, थोड़ा वजन कम करने की जरूरत है, तो खाना खाने के पहले आपको 2 या 4 घूंट पानी पीना चाहिए, ठीक। फिर दूसरा आता है, खाना खाते समय बीच में पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, खाना खाते समय बीच में पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए, जरूर पीना चाहिए, जी हाँ पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए उसका भी कारण बोला है, आप में से बहुत सारे लोग ने चटनी बनाया होगा, चटनी, आधे लोग तो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, तू बोलते रहे हम लोग गप्पा मार लेंगे, ठीक है देखा मैंने, पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर लेना चाहिए। तब हम भी ऐसे होते थे बहुत बार, जब कोई ऐसा टीचर आता था जिसको बच्चों से कुछ लेना देना नहीं, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता था और बोलते जाता था आधे घंटे तक, वो खुद ही अपने आप में पढ़ाते रहता था,
तो हम लोग ऐसे बाजू में बैठ के गप्पे मारते रहते थे, इसको बोलने दे जो जो बोलना है। चलो, खाते समय बीच में पानी पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। और ये आदत अगर आप अपनाते हो तो आप में से जिन लोग को कब्जियत का प्रॉब्लम है, कब्जियत, वो तकलीफ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहला सवाल, खाते समय पानी क्यों पीना चाहिए, तो उसके बारे में ऐसे बोला है। आप में से कई सारे लोग चटनी बनाए होंगे, चटनी बनाते समय उसमें पानी डालते हैं क्या, क्यों? अगर बिना चटनी, मतलब जो समझो कि अपने को इडली खाने का मूड हो गया, इडली खाने का, और नारियल की चटनी बना रहे, अगर उसमें पानी नहीं डाला और डायरेक्ट मिक्सचर में डाल दिया तो क्या होगा, नहीं बनेगा अच्छे से, वो मिक्स नहीं होगा। ठीक, बहुत ज्यादा पानी डाल दिया तो भी एकदम खराब हो जाएगा, कुछ ज्यादा कुछ गलत बोल दिया। ठीक है एंजॉय चल रहा है इसका, तो मतलब मैं कर्नाटक में लेक्चर दे सकता हूँ पर गुजरात में नहीं, है ना, दे सकते हो, थैंक यू अप्रूवल के लिए। तो उनका ऐसे कहना है कि जब भी आप भोजन करते हो, खाना खाते हो, अपने से कई लोग होते हैं जो पानी पानी में, मतलब वो छाछ वाँच सब आ गया, नहीं लेते, केवल रोटी खाते हैं और सीधा हाथ वाथ धो के उठ गए, डेढ़ दो घंटे बाद खाते पानी पीते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि अगर आप खाते समय पानी नहीं पीते तो वो जो आपका अन्न है वो ठीक से हजम नहीं होता। अगर बहुत ज्यादा पानी पीते हो तो भी हजम नहीं होता, इसलिए खाना खाते समय अगर आप बीच बीच में पानी पीते हो तो वो खाना हजम होने में मदद मिलता है। इसका एक और कारण बताया उन्होंने, उन्होंने बोला कि 6 टेस्ट होता है, 6 स्वाद होता है, मीठा, स्वीट, मीठे को क्या बोलते हैं, गुड़, ठीक है मीठा। दूसरा होता है खट्टा, खट्टे को क्या बोलते हैं, खट्टू। तीसरा होता है नमक, नमक को क्या बोलते हैं, चौथा होता है तीखा, तीखे को क्या बोलते हैं, तीखू। पांचवा होता है कसैला, कसैले को क्या बोलते हैं, तुरु, वेरी गुड। एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं कड़वा, कड़वे को क्या बोलते हैं, नीम का जो टेस्ट होता है, कड़ू, है ना। ऐसे 6 टेस्ट होता है, और हमारे खाने में भी इनमें से 3-4 टेस्ट तो होता ही है, ऐसा तो है नहीं कि केवल मीठा ही खाया, केवल खट्टा ही खाया। तो ऐसा उन्होंने बोला है कि ये जो अलग अलग टेस्ट है, ये खाते समय वो टेस्ट को अच्छे से आनंद ले सको, मजा ले सको, इसलिए आपको पानी पीना चाहिए। ये दूसरा फायदा बताया, मतलब समझो कि आप हलवा खा रहे हो, हलवा तो समझते हो, गाजर का हलवा बनाया घर पे, और मूंग का वड़ा भी बना दिया, और दही का रायता भी बना दिया, है ना, और करेले की भाजी भी बनी है। अब इतना सारा आइटम बना है तो एक साथ खाएगा तो मजा तो नहीं आएगा, तो उन्होंने क्या बोला कि आप थोड़ा सा हलवा खाओ, हलवे का मजा आ गया, वो हलवा खाने के बाद थोड़ा सा पानी पियो, दो फायदा होगा, एक तो वो हलवा हजम होने में मदद होगा, दूसरा जब आप ये पानी पी के इसके बाद जब आप रायता खाओगे दही का, तो रायते का टेस्ट ज्यादा आएगा कि कम आएगा, ज्यादा आएगा। अब ये जब रायता खा लिया तो रायता खाने के बाद एक घूट थोड़ा सा और पानी पियो, इससे रायता हजम होने में मदद मिलेगा, और उसके बाद करेले की भाजी खाओ तो मजा आएगा कि नहीं, करेले में किसको मजा आएगा, पर आएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि खाना खाते समय बीच में पानी पीना चाहिए। और लास्ट उन्होंने बोला कि ऐसे लोग जो खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, आप में से है कोई जो खाने के बाद पानी पीता है, कई सारे लोग हैं कि खाना खत्म हुआ इसके बाद अपन मस्त एक ऐसा लोटा, बाल्टी, ग्लास, जो कुछ मिल गया वो उठाते हैं और गटा गट अंदर, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जो लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं उनमें मोटापा बढ़ता है, मोटापा, तो खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? हम लोग 2012 से ये बोलते आ रहे ना, भोजनांते विषमवारी, खाने के बाद पानी पीना विष के समान बोला है। मतलब आप इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझाया कि समझो आपको खिचड़ी बनाना है, खिचड़ी बनाने के लिए आपने एक बर्तन चढ़ाया, खिचड़ी के लिए क्या क्या लगता है, भात, दाल, किसकी दाल,
मक्की दाल और मीठू और पानी और मसाला नहीं, गैस, चलो गैस भी लगता है, ठीक है। तो आपने बर्तन लिया, उसमें मक्का दाल डाला, चावल डाला, पानी डाला और गैस चालू किया। अब कब तक आप गैस चालू करके रखते हो? जब तक वो खिचड़ी पक नहीं जाता। पर अगर आपने गैस चालू किया और 5 मिनट के बाद उस गैस के ऊपर पानी डाल दोगे तो क्या होगा? खिचड़ी नहीं पकेगी, गैस बुझ जाएगा, खिचड़ी नहीं पकेगी, खिचड़ी नहीं पकेगी तो खाएंगे नहीं, है ना। वैसे ही आपके पेट का जो अग्नि है, जठर अग्नि है, इसमें जब आपने खाना डाला, भोजन डाला, तो वो भोजन हजम होने के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा, जो भी उसका टाइम लगता है, उस टाइम पे अगर आपने गट्टागट तुरंत पानी पी लिया तो आपका जो खाना है वो पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। अब जब अग्नि था, जो पेट का आग था, वही जब बुझ गया तो खाना हजम नहीं होगा, और खाना हजम नहीं होगा तो गैस, ओडकार बहुत ज्यादा आना, खट्टा खट्टा मुंह में पानी आना, सिर दर्द होना, कोलेस्ट्रॉल होना, ऐसा बहुत सारा बीमारी होता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना अच्छा नहीं है, खाने के 1.5 या 2 घंटे बाद पानी पीना आपके लिए अच्छा है। तो पानी का ये नियम में उन्होंने ऐसे बताया कि खाने के पहले पानी पीना चाहिए किसको? जो लोग सो गए हैं उनको पानी पीना चाहिए। कल से लग रहा है हमको यहाँ पे या तो चाय रखना पड़ेगा या पानी रखना पड़ेगा। चाय रहेगा तो पी के शायद नींद खुल जाए, और पानी रहेगा तो आंख में मार मार के, है ना। खाने के पहले पानी उनको पीना है जो लोग मोटे हैं, वो पिएंगे तो वजन कम होने में मदद होगा। खाने के बीच में पानी सभी को पीना चाहिए, खाना हजम होने में मदद होगा। और खाने के 1.5 या 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अब खाने के बीच में कितना पानी पीना, ये भी तो सवाल उठता है। हमको कैसे पता चलेगा कितना पानी पिए? 1 ग्लास पी ले या 1 लोटा पी ले, कितना पिए? तो उसके लिए आयुर्वेद में उन्होंने ऐसे बोला है कि आपको जितना भी भूख लगा है, अब हर एक आदमी अलग है, अपन मात्रा तो नहीं बोल सकते कि भाई तू इतना ही पीना, तू इतना ही पीना, हर एक आदमी अलग है। तो वो ऐसे कहते हैं कि आपको जितना भी भूख लगा है, जितना भी, उसका 50% सॉलिड खाओ। सॉलिड, सॉलिड मतलब आपका चपाती, चावल, परोठा, सलाद, ठीक, या आपका सब्जी, ये जो चीजें हैं ये 50% खाओ। 25% आपका जो खाना होना चाहिए वो लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड मतलब पानी वाला आइटम, जिसमें आपका दाल आ गया, छाछ आ गया, जूस आ गया, ठीक, या ये पानी आ गया। और बाकी 25% खाली छोड़ दो। क्यों खाली छोड़ दो? जगह भी तो चाहिए ना हजम होने के लिए। अपन क्या करते हैं, जितना भूख है उसका 100% सॉलिड खाते हैं, है ना। सॉलिड खाने के बाद थोड़ा बहुत जो जगह बचती है उसके लिए पानी डाल देते हैं कि थोड़ा कहीं भी एडजस्ट हो जाए, और वो एडजस्ट होने के बाद फिर यहां करवटे बदलते रहे सारी रात हम, ओके। तो अगर आपको सच में स्वस्थ रहना है तो 50% सॉलिड, 25% लिक्विड, 25% पानी खाली। चल दो, ये पानी के ये नियम हुए। नेक्स्ट, अब एक और आता है पानी का टाइप, गरम करके ठंडा किया हुआ पानी। गरम पानी पीने के बारे में पता चला, ठंडा पानी पीने के बारे में पता चला। गरम करके ठंडा पानी किसे पीना चाहिए? बहुत बार जैन लोगों में आपने ये सब नियम सुना होगा कि उन लोग इसको पक्का पानी बोलते हैं। पक्का पानी जो ऐसे ही पानी है उसको कच्चा पानी, जो गर्म करके ठंडा किया है उसको पक्का पानी बोलते हैं। तो पक्का पानी किसको पीना चाहिए? तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी उन्होंने बीमारी बताई है योग रत्नाकर जी ने। उन्होंने बोला है जिनको पाइल्स होता है, पाइल्स मल द्वार पे जहां से पेट साफ होता है उस जगह पे अगर आपको खून निकलता है, या सूखा पाइल्स है, या पेट में अगर आपको गांठ हो गई है, पेट की गांठ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, कई सारी महिलाओं को फाइब्रॉइड यूटेरस होता है या गर्भाशय में गांठ होती है, गांठ। एक मिनट मैं भी पानी पी लूं, है ना। ये ठंडा पानी है,
मतलब सादा पानी जैसे बोले थे, ज्यादा बोलने वालों को दे सकते हैं। चलो, जिन महिलाओं को गर्भाशय में अगर गांठ होती है, गांठ आजकल लगभग ऐसे रिपोर्ट बोलते हैं जिसको पीसीओडी बोलते हैं, पीसीओडी या पीसीओएस, हर चार में से एक महिला के गर्भाशय में गांठ है। जब आपको इस तरह की बीमारी होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हो कि क्यों हुआ, तो डॉक्टर बोलता है हार्मोनल इंबैलेंस के कारण। हाँ, तो क्या करें, हार्मोनल इंबैलेंस हुआ, ठीक है दवा खाओ, ठीक है आप दवा तो खा रहे हो, पर दवा के साथ ऐसा कौन सा खान पान करें जिससे कि ये जो बीमारी हुई है ये कम हो या ठीक हो या दोबारा ना हो, ये भी तो होना चाहिए ना। अगर आपको ब्लड प्रेशर आया है तो आप दवा तो खाते ही हो, पर साथ में डॉक्टर ये भी तो बोलता ना कि नमक कम खाना। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि भाई ब्लड प्रेशर आया, नमक कम खाना, डायबिटीज हुआ तो मीठा थोड़ा कम खाना। वैसे ही जब गर्भाशय में अगर गांठ आई है तब क्या करना, तब तो कोई नहीं बोलता, तो उस टाइम पे बोलते हैं या तो गर्म पानी पियो या गर्म करके ठंडा किया हुआ जो पानी है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। मतलब फ्रिज का पानी या मटके का पानी तब आपके लिए अच्छा नहीं है। क्षय रोग, जिनका शरीर एकदम सूखता चला जा रहा है, या आजकल टीबी फिर से होना चालू हुआ है। बीच में एक टाइम आया था कि टीबी नहीं होता था, अब मैंने मुंबई में ही मेरे कई सारे पेशेंट देखे जो टीबी के हैं, और आजकल वो अभी लंग्स का टीबी, मतलब फेफड़े का टीबी नहीं मिलता, समझो यहाँ गले में गांठ आती है, वो आप गांठ की रिपोर्ट कराते हो और आता है कि टीबी हो गया, या कमर में कोई गांठ हो गई उसका रिपोर्ट कराया तो टीबी आ गया। तो ऐसे लोग जिनको टीबी का पहले कोई बीमारी था, अभी है, या बिना किसी कारण से उनका शरीर सूखता चला जा रहा है, मतलब पहले ठीक थे, अच्छे थे, अब शरीर एकदम पतला होते चला जा रहा है, कम होते चला जा रहा है, ऐसे में आपको मटके का पानी नहीं या बाकी पानी नहीं, गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी पियोगे तो आपके शरीर के लिए वो ज्यादा अच्छी दवा है। क्यों दवा है, क्योंकि हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी ही है, तो जब आप ऐसा पानी पियोगे तो शरीर ज्यादा जल्दी ठीक होगा। खत्म करें? हाँ ठीक है, मतलब आज तक मुझे जितने ऑडियंस बोले नहीं 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 आप ले लो आपका टाइम, ये पहली बार मैं बोला हाँ हाँ बंद करो यार, बस हो गया, गर्म पानी ठंडा पानी हम तो वही पियेंगे जो हमारे घर पे या हमारे मूड में आएगा। इसके लिए मैंने कुछ स्लाइड बनाकर रखी थी, अगर आप अलाउ करेंगे तो। मैंने चार अलग अलग तरह के पानी निकाल के रखे थे कि मोटे लोग, आप में से जिनको मोटे लोग वाली बीमारी है और जिनको पतलेपन की बीमारी है, अगर वो आप चाहे तो बोलूंगा, वरना ये लास्ट पॉइंट खत्म करेंगे। ये लालच, ऐसे लालच देना पड़ता है। क्या करें अभी, क्या कर सकते हैं? चलो थोड़ा स्पीड में जाते हैं। वो बोलते हैं जिनके शरीर में सूजन है, सूजन ये खास करके महिलाओं को ऐसे ज्यादा मिलता है कि डिलीवरी हुई या फिर को शरीर में खून की कम, मतलब वजन तो कम है, खाना भी कम खाते हैं, पर शरीर एकदम गुब्बारे जैसे दिखता है, बलून, क्या बोलते हैं बलून को, फुगो, हाँ शरीर एकदम फुगो जैसे दिखता है, अगर शरीर फुगो जैसा है तब आपको ये पानी पीना चाहिए। हमें से बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में कभी ना कभी एडमिट होते हैं कोई भी बीमारी को लेके या एक्सीडेंट को लेके, उस टाइम पे ठीक है सलाइन वलाइन चढ़ाते हैं, डॉक्टर गोली वोली सब देता है, पर जो पानी है अगर गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी दिया तो वो जो उसका हीलिंग है वो ज्यादा जल्दी ठीक होगा। ऐसा है डायबिटीज का अगर बीमारी है, शुगर का बीमारी है, शुगर का बीमारी आयुर्वेद में ज्यादा पानी पीने के कारण होने वाली बीमारी बोला है। कई सारे लोग को लगता है कि अरे आजकल इतना सारा डायबिटीज काहे को फैल रहा है, अगर लास्ट डे टाइम रहा तो करेंगे इस टॉपिक पे भी बात, पर पानी डायबिटीज के पेशेंट के साथ सबसे बड़ा, इसलिए देखो जिसको भी शुगर होता है डायबिटीज होता है उसको यूरिन पेशाब बहुत होता है, शरीर से ज्यादा पानी निकलने लग जाता है, मतलब शुगर होने का निशानी ये यही है कि अगर आपको बहुत ज्यादा पेशाब हो रहा है तब आपको शुगर हुआ, ऐसे हम बोलते भी हैं। ऐसे टाइम पे आपको अगर कोई पानी है जो आपके शरीर के लिए अच्छा है तो गर्म करके ठंडा किया पानी ज्यादा अच्छा है। आंखों की कोई भी बीमारी है उस टाइम पे, जिनको लूज मोशन होता है वैसे टाइम पे,
या नाक का कोई ना कोई बीमारी है, कफ का कोई ना कोई बीमारी है, ऐसे में गर्म करके ठंडा हुआ किया हुआ पानी ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, एक सवाल उठता है, गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी कब तक पी सकते हैं? मैंने दिन में एक बार पानी बना लिया, उसको कितने घंटे तक पी सकते हैं? कब तक? शाम तक। और या रात को जो गर्म करके रखा हुआ पानी था वो सुबह पी सकते हैं क्या? या सुबह जो मैंने, समझो कि मैंने मेरे पूरे घर वालों के लिए 4 लीटर पानी बना के रख दिया, अब शाम हो गई है तो सबको दे सकते हैं क्या वो पानी? तो उसके बारे में उन्होंने एक नियम ऐसे दिया है कि जो पानी आप दिन में गर्म करते हो वो दिन में पी के खत्म करो, पर अगर आप रात हो गई, समझो आपने दिन में गर्म पानी बनाया था, रात हो गई, तब वो पानी आपके लिए अच्छा नहीं है। रात को अगर पीना है तो रात को आप अलग से नया पानी गर्म कर लो, और वो पानी कब तक उसकी वैलिडिटी है? जब तक सुबह नहीं होती। इस तरह करके उनके नियम है। आरओ का पानी, इसके बारे में आप लोग जानते हैं या मैं आगे बढ़ूं? आरओ का पानी पीना चाहिए क्या? मशीन का पानी जानते हैं उसके बारे में? क्यों नहीं पीना चाहिए मशीन का पानी? मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। और मशीन का आजकल जो पानी मिलता है स्टेशन पे या हर जगह, या आप में से बहुत सारे लोग ने घर पे मशीन लगाई होगी, आरओ की मशीन लगाई होगी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस की, तो वो आरओ का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? टीवी पे तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा बताते हैं। उसका वही कारण उन्होंने बोला कि टीवी में हमको क्या बताते हैं कि पानी के अंदर जो अशुद्धि है, पानी के अंदर जो भी खराबी है, वो आरओ वाला जो फिल्टर है वो सब उसको साफ करके निकाल देगा। ठीक है, उनका भी बोलना सही है, पर वो पानी की अशुद्धि के साथ साथ पानी के अंदर जो कुछ काम के मिनरल्स है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सारी चीजों को भी वो निकाल देता है। और इससे क्या होता है, आप में से अभी आजकल आपने कॉमन चीज सुनी होगी, विटामिन बी कम हो गया। अब कोई भी रिपोर्ट जाओ, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, हर एक की रिपोर्ट में एक चीज जरूर मिलेगा कि विटामिन B12 कम हो गया, या विटामिन D3 कम हो गया, या आपका जो हाड़का है, हड्डी, वो हड्डी का जो डेंसिटी है वो कम हो गया। तो ये सब काम वो आरओ के पानी का है। तो वो पानी आपको नहीं पीना चाहिए, आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। आपका जो म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, चलो अभी जो बात की थी, जो लालच के कारण आपने बोला कि ठीक है थोड़ा सुना दो, मोटे लोगों को 4 अलग अलग टाइप के पानी जो आप घर पे बनाकर पी सकते हो, और फिर पतले लोगों को, या मोटा बोलने से ज्यादा अच्छा है, आयुर्वेद में 2 ही तरह की बीमारी बोली है। आयुर्वेद का ऐसा कहना है कि दुनिया में 2 ही बीमारी होती है, या तो बहुत ज्यादा खा के या ना खा के, मतलब मोटापे की तरफ वाली बीमारी और पतलेपन वाली बीमारियां। तो हम बात करेंगे पहले मोटापे वालों की, फिर पतले वालों की। नेक्स्ट, पहला, आप में से जो भी लोग मोटे हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, थायराइड का बीमारी है, गर्भाशय के अंदर, बच्चेदानी के अंदर अगर गांठ हुई है, या चर्बी बहुत ज्यादा है, या पेशाब की कोई ना कोई बीमारी है, तो उनको, अभी तक तो हमने पानी 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 ये सब की बात की, उसमें भी अगर आप औषधि वाला पानी पियोगे तो और कई गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला पानी धनिया का पानी, क्या बोलते हो, धना, सूखा धना है ना, जो मसाले में हम यूज करते हैं, इसका पानी अगर आप लोग पीते हैं तो क्या क्या फायदा है, ये वात पित्त कफ तीन के तीनों को बैलेंस कर देता है। अब आयुर्वेद ने बोला है कि तीन इनके कारण ही, मतलब वात पित्त कफ बैलेंस है तो आप ठीक हो, ये बिगड़ गया तो आप बीमार हो। तो धनिया का पानी अगर आप पीते हो तो ये वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करता है, ये किडनी को साफ करने का काम करता है। ऐसे लोग, जिन लोगों को आप में से पेशाब में से बहुत जलन होती है, या यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, बार बार यूरिन पेशाब में जलन होती, या पेशाब में से बहुत बदबू आती, स्मेल आती है
ऐसे टाइम पे, या जिनका यूरिन ठीक से खुल के नहीं होता है, जिनको किडनी की कोई ना कोई बीमारी है, अगर आप धनिया का पानी पिए तो ज्यादा अच्छा है। और कुछ फायदे बोले हैं, दीपन पाचन, जिन लोगों की भूख खराब है, भूख खुल के नहीं लगती, खाना नहीं हजम होता, तो धनिया का पानी पियो। जिनको बुखार हुआ है, आपके घर में बुखार होता है और आप सोचते हैं कि इसको क्या पानी दूं, तो उनको धनिया का पानी अच्छा है। जिनको शरीर में बहुत ज्यादा प्यास लगती है, जलन होता है, या पाइल्स का तकलीफ है, कृमि का पेट में बच्चे लोगों को बहुत बार होता है कि कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे सभी लोगों को धनिया का पानी पीना चाहिए। कैसे बनाना, अब यही डाउट आ रहा होगा। ठीक है, इतना सारा फायदा बोल तो दिया, बस यहां से छोड़ो और अभी रात में जाके यार धनिया का पानी बनाएंगे, है ना? कैसे बनाना? सूखा धना जो आपको मिलता है, वो अखा आता है, उसको बारीक थोड़ा मोटा कूट लेने का, ठीक, 20 ग्राम धना लेने का, 20 ग्राम, ठीक, और 2 लीटर पानी लेने का, सादा पानी 2 लीटर, 2 लीटर पानी में 20 ग्राम धनिया को रात में पलाड़ी देने का, सही? यस, 2 लीटर पानी में 20 ग्राम धना को पलाड़ी दो रात को, सवारे उसको उकाड़ लो, गरम कर लो, और उबाल के 1 लीटर कर लेने का ये पानी, वो धना चाहिए तो फेंक सकते हो। ये जो 1 लीटर पानी बना है, आपको दिन में जब भी प्यास लगेगा, तरस लगेगा, तब ये पानी पीने का। जब ये पानी खत्म हो जाएगा तब आप सादा पानी पी सकते हो, ठीक। 2 लीटर पानी, 20 ग्राम धना रात में भिगो के, सुबह उबाल कर 1 लीटर कर लिया, दिन में जब भी प्यास लगेगी ये पानी पीने का, जब ये पानी खत्म हो जाएगा तो सादा पानी पियो। ऐसा कब तक करना है? 7 दिन। ऐसे 7 दिन अगर आप करते हो तो आपका जो वजन है या यूरिन की तकलीफ है वो सब कम हो जाएगी, ठीक। जिनका वजन बहुत ज्यादा है वो 15 दिन भी कर सकते हो, 15 दिन करने के बाद 1 हफ्ता जरा गैप दे देने का और फिर से कर सकते हो। तो अभी ये से इतनी सारी जो बीमारी बताई, वो सारी बीमारी में आपको धनिया का पानी चलेगा। खास करके जो लोग मोटे हैं, जिनको थायराइड का तकलीफ है, या गर्भाशय में जिनको गांठ है, जिनको जलन होती है, उन सबके लिए। नेक्स्ट, दूसरा पानी, आयुर्वेद में आप में से जो लोग किसान होंगे, किसान या कभी खेत में काम किया होगा, नागर मोथा नाम का एक चीज सुना होगा। नागर मोथा क्या बोलते हैं गुजराती में? समझते हैं आप लोग, है ना? ये नागर मोथा एक घास होती है जो कि खेत में उगती है, अपन बहुत बार इसको उखाड़ के फेंक देते हैं। आयुर्वेद की ये बहुत बड़ी दवा है, बहुत बड़ी दवा, खास करके अगर डायबिटीज के हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, उनके लिए तो ये बेस्ट दवा है, जिसको हम लोग ऐसे ही उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन है। ऐसे लोग जिनको मोटापा बहुत ज्यादा है, बहुत फैट है, मतलब ऐसा फैट कि वो परेशान है, और जिनको पसीना बहुत आता है। और मोटापा 2 तरह का होता है, कुछ लोग ऐसे जो मोटे हैं पर पसीना वसीना नहीं आता, कुछ लोग का ऐसा है कि वजन भी है और शरीर से बहुत बदबू आता है, बहुत दुर्गंध आता है, स्मेल आता है, कपड़े का इतना अच्छा ज्यादा दुर्गंध आता है कि बोल नहीं सकते, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। इसको भी सेम वही 2 लीटर पानी में 20 ग्राम पाउडर रात में डाल के सुबह उबाल कर 1 लीटर कर लो, दिन भर पियो। ये वाला पानी भी आप पियोगे तो मोटापे की जो भी बीमारियां हैं, फैट है, चर्बी है, फैटी लीवर है, पसीने से बहुत दुर्गंध आती है, जिन लोगों को मल से बहुत दुर्गंध आती है, मतलब वो शौचालय जाकर आए तो दूसरा आदमी जा नहीं सकता, इतना बदबू अगर आता है, तब ये पानी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, एकदम आसान तरीका, अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं यार हमको उबालने का झंझट नहीं चाहिए, हमारे पास टाइम ही नहीं है, उबालेगा ही नहीं है, टाइम बिल्कुल टाइम नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा बिजी हम लोग हैं, अगर ऐसा अपने साथ है, तो सबसे सिंपल हनी वाटर पीने का, शहद का पानी। शहद जो है वो मीठा होता है कि कसैला होता है? क्या होता है शहद मीठा की कसैला? शहद कसैला होता है। शहद का जो मेन टेस्ट है वो कसैला है। शहद पीने के बाद मीठा लगता है, मतलब ये कैसा है, आप में से जो लोग ने आंवला खाया होगा, पहले आप आंवला खाओ तो उसका टेस्ट थोड़ा कसैला लगता है, बाद में पानी पियो तो मीठा लगता है। हनी का भी कुछ ऐसा गुण है। तो आप में से जिन भी लोगों को वजन कम करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, फैट कम करना है,
या शरीर को कम करना है, चाहे कोई भी बीमारी हो, अगर डॉक्टर ने बोला है कि भाई थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, शरीर को पतला करो, उन सारे लोगों को क्या करना चाहिए कि पानी गर्म करके उसमें शहद डाल के पीना चाहिए। गर्म पानी में शहद डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? क्यों क्यों? अरे जल्दी बोलना, इतना टाइम हो रहा है, ऊपर से सवाल पूछ रही है। ठीक, आयुर्वेद में और आज का साइंस भी ऐसे बोलता है कि गर्म पानी के अंदर अगर आप शहद डालते हो ना, वो विष बन जाता है, विष जहर है। गर्म पानी में कभी भी शहद मत डालो। क्या करना है, पानी को गर्म करके ठंडा कर लो, एक दो लीटर पानी को गर्म करके एक लीटर कर लो, और उसमें चार या पांच चम्मच शहद मिला के रख दो, आप अपने थर्मस में रख लो, और दिन भर ये शहद वाला पानी पियो। तो जो शहद का पानी है वो भी आपको बहुत सारे फायदे हैं उसके, रक्त पित्त मेद वेद छोड़ो, उसका कोई मतलब नहीं। सिंपल सी बात, आप में से जिसको भी पतला होने का है या अपना वजन कम करने का है, उनको शहद का पानी चलेगा। नेक्स्ट, अब ये क्या है, तीन तो दवा का नाम बताया, चौथा घुट घुट कैसे करके आ गया? घुटड़े घुटड़े पानी पी लिया। राजीव भाई दीक्षित का आप लेक्चर सुनेंगे ना, उनकी सीडी आती है या यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स मिल जाएंगे। उन्होंने अपने नियम में अगर सबसे ज्यादा कोई एक चीज पे फोकस किया है वो ये नियम है, घुट घुट करके पानी पीना। ये आज के जमाने की बीमारियों की रामबाण दवा है, रामबाण दवा। आज आप देखोगे 10 या 12 साल के बच्चे को भी घुटना दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, या आप में से कई सारे लोग हैं जो कैल्शियम की गोली खा रहे होंगे, विटामिन डी की गोली खा रहे होंगे, फिर भी घुटना दर्द नहीं जाता, मोटापा नहीं जाता, वो इस नियम को पालन ना करने के कारण। अब मोटे लोग के साथ क्या तकलीफ है पता है, वो पानी और खाना ऐसे खाते हैं ना जैसे उनके पीछे शेर पड़ा। आप में से जो भी लोग देखो ऐसा, मतलब ऐसे बैठे और सट खत्म, ऐसे लगता है 2 मिनट में खाना खा के खत्म, या ग्लास उठाया और सीधा गट 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 अंदर, ये आपके बीमारी का कारण है। तो अगर आपको सच में वजन कम करना है, आप पानी लो, उसको मुंह में घुमाओ एक दो बार और उस पानी को पियो, फिर दूसरा पानी लो, उसको मुंह में घुमाओ और पियो, मतलब धीरे धीरे पानी पियो। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हमारी जिंदगी तो पानी पीने में निकल जाएगी, इतना टाइम किसके पास है कि एक एक घुट। पर अगर आप ये थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस में लाते हो तो आपको कमर दर्द, घुटना दर्द, हर्निया, या कुछ लोगों को एडी में, एडी मतलब ये जो पार्ट है यहां पे कुछ लोगों को दर्द होता है, सुबह सो के उठते ही सबसे मतलब पैर जमीन पे रखा तो बहुत दर्द करता है, ऐसी सभी बीमारियों में ये बहुत अच्छी दवा है। नेक्स्ट, अब आप में से जो लोग पतले हैं, कमजोर हैं, या जिन लोगों को टॉनिक चाहिए कि नहीं यार अपना सब कुछ ठीक है, बट अपने को ना कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे शरीर मजबूत बना रहे, शरीर में ताकत बनी रहे, ऐसे लोगों के लिए मुनक्का, अंगूर को क्या बोलते हो, द्राक्ष, काली द्राक्ष, काली द्राक्ष, जो काली द्राक्ष होती है जब वो सूख जाती है तो उसको क्या बोलते हो, काली सूखी द्राक्ष, और क्या। तो वो जो काली सूखी द्राक्ष होती है, आप में से ऐसे लोग जिनको वजन बढ़ाना है, शरीर कमजोर हो गया है, चाहे एक्सीडेंट के कारण, बीमारी के कारण, या कोई भी कारण से, या उम्र बढ़ने के कारण शरीर कमजोर हो रहा है, या घर में बच्चा है वो कमजोर है, उसको क्या दे, या आपको ताकत के लिए कुछ चाहिए तो क्या करना चाहिए, ये मुनक्का, ये 20 ग्राम मुनक्का लेके आओ, आधे लीटर पानी में रात में भिगो दो, सवारे उसको क्रश करने को क्या बोलेंगे, ऐसे हाथ से जो दबाते वो कर लेते हैं, क्रश, कसड़ मानो, जो भी कर लो, वो मुनक्का ले लो, उसको पानी में ऐसे डालो और ऐसे ऐसे करके वो कर लो आप, ठीक है, कसड़वानो जो कुछ भी है, और वो जो पानी बनेगा वो पानी पीने को दे दो। जिनको भी टॉनिक चाहिए, शरीर में ताकत चाहिए, या शरीर कमजोर हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। इसके बारे में थोड़ा बोलता हूं, फिर चीजों स्पीड में जाएंगे। खास करके जिनका हार्ट ना बहुत कमजोर है, मतलब थोड़ा भी आवाज सुना और हार्ट का धक 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 ऐसे बढ़ जाता है, कुछ मतलब काम कर रहे थे अचानक से कहीं से आवाज सुना और डर लगने लग गया, या बिना कोई कारण से हार्ट रेट बढ़ जाता है जिसको पल्पिटेशन बोलते हैं, तब ऐसी महिलाएं जिनका गर्भाशय कमजोर है, कुछ ऑपरेशन हुआ था,
या एबॉर्शन हुआ था, गर्भपात हो गया था, या मासिक धर्म में बहुत ज्यादा खून जाता है, या पुरुषों में जिनको ब्लीडिंग पाइल्स है, पेशाब में से खून जाता है, कोई भी कारण से शरीर कमजोर है ना, ये वाला पानी पीने का। आपके शरीर में कहीं से भी खून निकल रहा है, नसखोरी, राइट, नसखोरी हो रही है या मुंह से, मतलब कई बार इंटरनल ब्लीडिंग होती है, अगर आपके शरीर में कहीं भी खून की समस्या है या खून बढ़ाना है तब ये पानी बहुत अच्छा है। जो लोग नशा करते हैं, तंबाकू का नशा हो, गुटखे का नशा हो या किसी भी तरह का नशा, उस नशे के इफेक्ट को कम करना है तब ये पानी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को उम्र बढ़ने के कारण ये सब सांधा दुखने लग जाता है, ये ऐसा हाथ ऐसे टेढ़े होने लग गए हैं, ये सब पैर का उंगली टेढ़ा होने लग गया है, तब जिनको श्वास का समस्या है, दमा है, अस्थमा है और शरीर सूखते चला जा रहा है, तब ये पानी बहुत अच्छा है। काली सूखी द्राक्ष वाला पानी ये बिंदास पी सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसका एक फायदा और है, ये पेट भी साफ करता है। जिन लोगों को बहुत कड़क मल होता है, कड़क मतलब मल ना एकदम पत्थर की जैसा, अगर कड़क मल निकलता है, ऐसे लोग त्रिफला विफला जैसा दवा खाने से अच्छा है कि ये मन काली सूखी द्राक्ष का पानी पियेंगे तो वो पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। छोटे छोटे बच्चों को बहुत होता है, 3-4 साल का बच्चे होगा, उसका मल मतलब एकदम कड़क निकलता है और वो मल करते समय बहुत चिल्लाता है, तब ये दे दोगे तो बहुत अच्छा। ठीक, नेक्स्ट। एक और अच्छी चीज जो आप पी सकते हो वजन बढ़ाने के लिए या टॉनिक के लिए, गन्ने का रस। पर गन्ने के रस की एक प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गन्ने का रस जब मशीन से निकालते हैं तो वो शरीर के लिए बहुत गंदा हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद में आया। क्यों? क्योंकि वो जो मशीन है उसके ऊपर जो पहले का रस निकाला हुआ रहता है उसकी एक लेयर जमी रहती है, फिर वो कई बार गन्ना अंदर से लाल लाल देखो खराब हुआ रहता है, वो तो देखते नहीं, वो डायरेक्ट पीस देते हैं। और ऐसा गन्ने का रस पिया ना तो ऐसा है कि एसिडिटी बहुत करता है। आप में से बहुत सारे लोग को होगा कि गन्ने का रस पिया और उल्टी हो गया या एसिडिटी होता है। तो गन्ना अगर आप चबा कर खाएंगे तो वो ये सारे फायदे जो पहले आपको मुनक्के के बोले थे वो मिलेंगे। गन्ना उनके लिए अच्छा है जिनको यूरिन बहुत कम होता है, पेशाब अगर कम होता है, तकलीफ है, तब बहुत अच्छा है उसका। नेक्स्ट, नारियल पानी, ये भी एक बहुत अच्छा टॉनिक है। हाँ, महंगा होता है, 40 से 50 रुपए का कुछ एक आता है, पर ये भी किडनी की बीमारी है, शरीर कमजोर है, वीक है, शरीर पतला हो गया है, तब ये बहुत अच्छा है। लास्ट, गुड़ का पानी। गुड़ का भी आप में से जिन लोगों को तकलीफ है, टॉनिक के तौर पे यूज करना है, वो यूज कर सकते हो। चलो खत्म करते हैं, लगभग 11:15 हो गए, जाते जाते 2 मिनट के अंदर पूरे का पूरा आज रिवाइज करके लेते हैं। नियम नंबर 1 क्या था, जल्दी बोलो। जागो सोने वालों, नियम नंबर 1 क्या था? जब प्यास लगे तभी पानी पीना या फिर ज्यादा पानी पीना अच्छा नहीं है। नियम नंबर 2, सुबह का पानी याद आता है। नियम नंबर 3, शाम का या रात को कौन सा पानी पीना चाहिए? गर्म पानी, गले के ऊपर के रोगों के लिए। नियम नंबर 4, बस 3 याद कर लिया बहुत है, तो 4-5 को याद रखेगा। फिर हमने गर्म पानी की बात की, किसे पीना चाहिए, ठंडा किसे पीना चाहिए, या फिर खाने के पहले, बीच या बाद में किसे पीना चाहिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि हमको कुछ भी नहीं याद, भूल गए हैं, तो ये वीडियो चाहिए तो मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा। हमारा YouTube पे चैनल भी है ओज आयुर्वेद नाम से, 7.5 लाख के ऊपर उसमें पब्लिक भी है हमारे, तो उस पे आप ये देख सकते हैं। अब कल के लिए उम्मीद है आप में से आधे लोग तो कल आएंगे, बधा आएंगे, थैंक यू सो मच। कल खाने से ज्यादा मुझे, सॉरी, पानी से ज्यादा खाने के बारे में बात करना है। गुजराती थाली में क्या क्या होता है, आपके थाली में क्या क्या होता है? साग, रोटी, दाल भात, छाछ, पापड़, अचार, चटनी, रायता और एक दो आइटम कुछ होता होगा। पर आप जो समझो रोटी खा रहे हो, कौन कौन सी रोटी होती है? एक गेहूं की रोटी आ गई, दूसरा, तीसरा ज्वार, बाजरा, जौ, है ना, ये सब।
पर गेहूं की रोटी किसको खानी चाहिए? सबको खानी चाहिए क्या? या बाजरे का रोटला सबको खाना चाहिए? या फिर आप जो साग बना रहे हो, साग बनाने का सही तरीका पता है क्या? नॉर्मली अपन क्या करते हैं, पालक मेथी कुछ भी लिया, उसको काटा, धोया, डाल दिया तेल वेल में और बना के खा लिया। वो गलत तरीका है और उसकी बहुत सारी बीमारियां बोली। या पापड़ किसको खाना चाहिए, किसके लिए पापड़ ज्यादा अच्छा है? या जो चावल आप बनाते हो, जो राइस भात बनाते हो, वो भात कैसे बनाने का? अगर आप आयुर्वेदिक तरीके से भात बनाकर खाओगे तो डायबिटीज में भी भात खा सकते हो। जी हाँ, डायबिटीज में आप भात खा सकते हो अगर आयुर्वेद का तरीका अपनाया है तो। तो कल अपन खाने की थाली में क्या क्या जो है उसमें किसको क्या क्या खाना चाहिए और खाने के क्या क्या नियम आयुर्वेद में है, उम्मीद है आप में से अगर जो कोई भी आएगा उसके बारे में कल बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का आपने बहुत शांत तरीके से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।